जो ट्रू एंड फॉल्स करेक्ट एंड करेक्ट के क्वेश्चन होते हैं जिसमें यू गेट एट क्वेश्चन से पांच से स्टैंडर्ड ऑन द स्ट्रेटी टू क्रैक यूर ऑडिटिंग एबीसी फॉर मे ट्वेंटी टू गेट अग इन ऑफ आउ देपर पैटर्न एंड वॉट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिट चैप्ट Having said this, uh, very important standards are because of two reasons. One, descriptive questions में इसका अच्छा खासा weightage है plus जो दो दो mark के आपके questions आते हैं जिसमें आप sure shot sure, two out of two score कर सकते हैं if you are prepared really well. उसमें majority of the questions are based on standards on auditing. आपके अगर uh, intermediate के syllabus को आप देखेंगे तो कई सारे आपके chapters है जो ऐसे based है

बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में कुछ एक्स्ट्रा चीजें एड किए जो मैं आपको बता दूंगा विच इज प्रमैली फॉर द रीजन वेर आईसीआई स्टडी मटेरियल हैज नथिंग अबाउट इट बट द क्वेश्चन आंसर्स हैव बीन आज ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया और स्टडी मटेरियल में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जैसे ऐसे टू हंड्रेड एंड फिफ्टी जिसके ऊपर डिसम्बर ट्वेंटी वन में सवाल पूछा गया था जिसके ऊपर आप अगर मेन मॉड्यूल में देखेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड दैट पर्टिकुलर कंटेंट विद रेफरेंस टू एस ए टू हंड्रेड एंड फिफ्टी एनी वेर इन द आईसीआई स्टडी मटेरियल

आप इस रिविजन को जब देख रहे हैं तो आपको लगता है कि आपको आपके कोई टाइम स्टैम्प चाहिए कि यहाँ पे ये यह स्टैंडर्ड शुरू हुआ या यहाँ पे ये यह एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है या ये एक निमोनिक मेरे काम का है तो आप कमेंट बॉक्स में ऐसे जितने भी आपके काम के एग्जाम्पल्स हैं उसका टाइम स्टैम्प और आगे उसका रेफरेंस डाल दीजिए इससे आपको आपके वीडियो में आपके हिसाब से बुक मार्किंग मिल जाएगी जिसको आप बाद में रिविजन के लिए यूज कर सकते हो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स इट गोइंग टू बी ऑब्वियस रिविजन सो वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिजन और अफ्ट्रैक एंड रेगुलर बैज दर इज नो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन इनवाल्व इट इज प्योर रिविजन वट विल भी डूंगयर ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स यानी आईसीआई के पब्लिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑडिट में एक मैंडेटरी पब्लिकेशन होता है जिसको सारे के सारे चार्ट अकाउंटेंट जो एक इंडिपेंडेंट ऑडिट करते हैं उन्हें फॉलो करना होता है इसे कहा जाता है एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स के अंतर्गत स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इसका मतलब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बेसिकली आर अ ऑफ एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड तो एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड में हम ऑडिट रिव्यू अदर एश्योरेंस रिलेटेड सर्विस क्वालिटी कंट्रोल इन पांच चीजों से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स इशू करते हैं जिनमें से आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ कुछ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है नॉट ऑल

ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड प्यार से आई ए एस बी ये इंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड इशू करती है इसका बेसिक उद्देश्य क्या है यह एक इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है यानी किसी पर्टिकुलर कंट्री स्पेसिफिक या गवर्नमेंट को बिलोंग नहीं करती है और इसके मेन दो ऑब्जेक्टिव्स हैं पहला हाई क्वालिटी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इशू करने का और इंश्योर करने का कि इंटरनेशनल और नेशनल स्टैंडर्ड एक जैसे हो सके तो आईफेक क्या एक एसोसिएशन है जैसे कि यूनाइटेड नेशंस है ये अकाउंटेंट्स की एक बॉडी है जिसमें कई सारी कंट्री एसोसिएट मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग आईसीआई कई सारी कंट्री के अकाउंटिंग बॉडीज इनकी मेंबर्स हैं और ये जो पब्लिकेशन देती है इनके जो मेंबर बॉडीज होती है ये उनको प्रमोट करती है मोटिवेट करती है कि आपके पब्लिकेशंस जो आप लोकल या अपने नेशनल लेवल पे फॉलो करते हो उसे इंटरनेशनल से मीट करें ये भी इसका एक उद्देश्य है तो इसके दो उद्देश्य एक हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड इशू करना और दूसरा इंश्योर करना कि इंटरनेशनल और इनके जो मेंबर कंट्रीज है उनके नेशनल स्टैंडर्ड कन्वर्ज हो सके इससे क्या होगा नंबर वन इससे क्वालिटी और यूनिफॉर्मिटी बढ़ेगी क्यों क्योंकि अगर आप कलेक्टिवली कोई स्टैंडर्ड बना रहे हो तो वो ज्यादा अपने आप में क्वालिटेटिव हो सकते हैं बिकॉज यूल हैव इनपुट फ्रॉम सो मेनी मेंबर्स ऑफ सो मेनी कंट्रीज तो इट विल हैव बेटर क्वालिटी एंड देन यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस द ग्लोब इट्स लाइक इंग्लिश इज अ कॉमन लैंग्वेज स्पोकन इन वेरियस कंट्रीज विच हेल्प कम्युनिकेशन एंड इट हैज इट्स ओन बेनिफिट सिमिलरली अगर ऑडिटिंग करने के तरीके अक्रॉस द ग्लोब एक जैसे होंगे तो डूइंग ऑडिट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज ऑडिटर डूइंग ऑडिट ऑफ अनादर कंट्रीज कंपनीज ऑडिट विल बिकम ईजियर

इन फैक्ट इस तरह से मैंने वेटेज प्लॉट किया ये टू हंड्रेड का वेटेज है वेन आई कम टू दैट ए आई एल एक्सप्लेन इट टू यू एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड आई ए एस बी इशू करता है जो आई फैक की बॉडी है जिसका बेसिक उद्देश्य स्टैंडर्ड इशू करना है ये ऑब्जेक्टिव ये कैसे अचीव करता है बाई डेवलपिंग हाई क्वालिटी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एंड गाइडेंस नोट किसके लिए ऑडिट के लिए भी इशू करते हैं ये स्टैंडर्ड साथ ही साथ में अदर इश्योरेंस सर्विसेज के लिए रिलेटेड सर्विसेज और क्वालिटी कंट्रोल आई एल एक्सप्लेन ऑल ऑफ दिस टू यू अपार्ट फ्रॉम दिस इनके अदर प्रोना प्रोनाउंसमेंट का मतलब होता है पब्लिकेशन ऑन ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस मैटर भी आते हैं अश्योरेंस और ऑडिट में क्या फर्क है ऑडिट इज अ टाइप ऑफ एश्योरेंस जब भी आप किसी चीज पे आश्वासन देते हैं ये कंट्रोल्स अच्छे हैं मेरे ओपिनियन में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं मेरे ओपिनियन में ये क्वार्टरली रिजल्ट मेरे ओपिनियन में ऐसच कुछ गलत बात नहीं कर रहे हैं तो आप अलग अलग तरह के अश्योरेंस दे रहे हो कहीं पे आप अश्योरेंस दे रहे हो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे कहीं पे इंटरनल कंट्रोल्स पे कहीं पे आप दे रहे हो सही है कहीं आप बोल रहे हो मुझे गलत नहीं लग रहा है ये अलग अलग प्रकार के आश्वासन है इनमें से एक आश्वासन होता है ऑडिट ऑडिट में हम कहते हैं वी इन आर ओपिनियन टू द बेस्ट ऑफ आर इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस वी स्टेट दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव गिवर ट्रू एंड फेयर व्यू दैट मीन्स वी आर गिविंग अ पॉजिटिव अश्योरेंस कि भाई हमें लग रहा है ये चीज़ें अपने आप में सही है तो इसलिए अश्योरेंस शब्द ऑडिट के साथ कॉमनली यूज किया जाता है सही मायने में देखा जाए तो ऑडिट इज अ टाइप ऑफ अश्योरेंस एनस चलिए तो आई का हमने उद्देश्य देख लिया अब इसमें हमारे आईसीआई का क्या रोल है तो क्योंकि आईसीआई भी आईफैक का मेंबर है तो इसकी भी जिम्मेदारी है कि इंटरनेशनल नॉर्म्स के स्टैंडर्ड्स को अपने नेशनल लेवल पर फॉलो करे इसके लिए आईसीआई ने अपने यहां पर इंडिया में एक बॉडी बनाई जिसको नाम दिया ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड इंडिया के लिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करेगा उसे इंश्योर करना है कि ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल ऑडिटिंग गाइडलाइन से मैच करें और कन्वर्ज करेगा वो उसे इंटीग्रेट करेगा कन्वर्ज का मतलब क्या होता है उनके स्टैंडर्ड्स अपने स्टैंडर्ड्स को मिलाना हम इंडिया में ऐसा नहीं करते इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एज इट इज़ बोल देते इंडिया में वही लागू होंगे पाकिस्तान ऐसे ही करता है क्योंकि उनकी बॉडी इतनी बड़ी है नहीं शायद कि वो खुद के स्टैंडर्ड बना पाए तो वो ब्लाइडली फॉलो कर लेते हैं पर हम क्या करते हैं उसे मॉडिफाई करते हैं वी डोंट लाइक पिज्जा इन द स्टाइल इन विच पिज्जा इज बींग इन इटली हमें इंडिया में पिज़्जा चाहिए तो हमारे टेस्ट वाला एकदम जीरावन वन मार्केट टमाटो कैचअप के साथ वो लोग खाते हैं मस्टर्ड सॉस के साथ हम खा ले तो पिज्जा खाना ही बंद कर दे तो हमें क्या चाहिए वी टू हैव इट इन ओन फ्लेवर तो इसके लिए हम इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को इंडिया में एज इट इज यूज करने की बजाय उसको थोड़ा हमारे हिसाब से ढाल के हम इंडिया में उसे कन्वर्ज करते थे इसलिए ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट होगी कि लोकल लॉस कस्टम यूजेज और बिजनेस इंटायरमेंट के अनुसार स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वर्ज करे यानी चेंज करके इंडिया में लागू करे इसमें ये लोग क्या करते हैं दे ऑल्सो इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी इसका मतलब जो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड होता है ये बोर्ड कभी भी कोई नया ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इशू करती है तो फिर ये नफरा से भी बात करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट या आरबीआई के रिप्रेजेंटेशन ये अलग अलग आपके कॉमर्स बॉडीज होती है एसोसिएशन होते हैं उन सबसे रिप्रेजेंटेशन लेती है कि भाई हम ये स्टैंडर्ड इशू कर रहे हैं आपके इस पर कोई इनपुट है क्या ताकि वी कैन मेक थिंग्स विच आर मोर रेलिवेंट टू द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ़ द सोसाइटी एंड इट इज मोर रेलिवेंट टू ऑल द इंडस्ट्रीज इसके लिए क्लैरिटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया था दिस वॉज वे बैक इन टू थाउजेंड इसके अंतर्गत कहा गया था कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को लोकल स्टैंडर्ड से मैच करेंगे और वही समय था दोस्तों जिसके बाद हमारे इंडिया में सारे के सारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को चेंज किया गया पहले हमारे यहाँ पे ऐसे इसको कहते थे स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रैक्टिस सेप्स फिर उसका नाम पड़ा ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स 2009 के क्लैरिटी प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ सात आठ में उसमें नौ से फिर हमारे सारे स्टैंडर्ड्स को रीनेम कर दिया गया और नाम दिया गया एस स्टैंडर्ड्स ऑन ऑर्टिंग और ये सारे स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है आप यू कह लीजिए कि ये उससे कन्वर्ज है आई विल नॉट से ये एक्जैक्टली exactly सेम है बट आप कह सकते हो 95 परसेंट प्लस ये एक जैसे इनमें हल्के फुलके चें जो हर स्टैंडर्ड के आखिरी में मॉडिफिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के नाम से दिए जाते हैं जिसको अपने सिलेबस में ना तो इंटर में आपको पढ़ना है ना फाइनल में बट ये अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ रोल ऑफ आई ए सॉरी रोल ऑफ ए ए एस बी तो आप ये सारी चीज़ें लिखेंगे अगर क्वेश्चन आता है रोल ऑफ आई ए एस बी ये सारी चीज़ें लिखेंगे आई होप मैंने आपको इसे एक्सप्लेन किया है कि अपन सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव इज नॉट जस्ट टू रीड थ्रू दीज ये आप कर सकते हो बो टाइम गिवेंगे और बैकग्राउंड अब आप इसे बार बार रिवाइज करोगे तो दिमाग में एकदम फिट भी हो जाएगा ये वो चीज़ है जो एग्जाम में रूटीनली नहीं आती है पर कभी आई तो इसमें शॉर्ट शौर शॉर्ट मार्क्स लाने के लिए एक बार भी अगर आपने सुन लिया है तो आप इसको क्या कर पाएंगे एग्जाम में लिख पाएंगे अदरवाइज आपको क्लियर नहीं है तो विल नॉट बी एबल टू राइट इट करे क्लीन द एग्जाम मोस्ट प्रोबॉबली चलिए दोस्तों तो अब आते हैं अगले डिस्कशन पे इंडिया में हम जो स्टैंडर्ड इशू करते हैं उन्हें कलेक्टिवली कहते हैं एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड इसकी क्या कहानी है समझिए एक या एक या चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस किस तरह के असाइनमेंट हैंडल करता है क्या ऐसा होता है क्या कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ ऑडिट करते हैं नहीं सर ऐसा तो नहीं है ऑडिट के अलावा ये भी तो हो सकता है कि एक सी एम को सिंपली अपॉइंट किया जाए और बोला जाए कि भाई कौन बनेगा करोड़पति में जो लक्की सिस्टम हमने फॉलो किया है उसको ऑडिट करें और देखें इम्पार्शल है या हो सकता है कि हम ऑडिटर को ये भी अपॉइंट कर दें कि भाई हमने इंडियन आइडल में जो वोटिंग करवाई थी जनता से और उस वोटिंग के आधार पर जिसको विनर चुना गया है वो वोटिंग इम्पारशल थी उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है ऐसा कोई एक इंडिपेंडेंट सी ए फॉर्म से वेरीफाई करवा दें ऐसा भी तो हो सकता है कि हम डिटेल में गहराई में जाके जो ऑडिट करते हैं वो कराने की बजाय ऊपरी ऊपरी तौर पर चेकिंग करा ले क्यों क्योंकि हमें किसी कारण से अर्जेंट बेसिस पे कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के कहीं सबमिट करने थे ऐसा भी तो हो सकता है कि एक चार्ट अकाउंटेंट को मैं ये कहूँ कि यार तुम तो सिर्फ एक काम करो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर शेड्यूल थ्री उसमें रिविजन आया मुझे पता नहीं है तो मैंने एक सी एफ को अपॉइंट किया और बोला कि सिर्फ मेरी बैलेंस शीट पी एंड एल एज पर शेड्यूल थ्री ऑफ द कंपनीज बना के दे दो हमारा ऑडिटर दूसरी फॉर्म है वो ऑडिट करेगा पर हम चाहते हैं बना के आप दे दो यानी वो सिर्फ कंपाइल करने का काम कर रहा है मेरे लिए ऐसा भी हो सकता है कि मैं इसी सी एफ को बेसिक काम दे दूं मेरे यहाँ बी आर एस बनाने का यानी एक सी एफ अलग अलग तरह के काम कर सकती है किसी भी पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए सवाल यह है कि ये सारे कार्यों के लिए क्या सी एफ के पास ऑप्शन होना चाहिए कि उसे वो कार्य जैसे करना है वो करे या आई आई गाइडेंस देगा स्टैंडर्ड देगा तरीके देगा कि भाई ये काम इस तरह से एग्जीक्यूट होना चाहिए तो आई ने बोला भैया स्टैंडर्डाइजेशन लाने के लिए एक जैसी क्वालिटी लाने के लिए ताकि हर चार्टेड अकाउंटेंट एक कार्य को एक सिस्टम के साथ कर सके हम उसे स्टैंडर्ड सिर्फ और सिर्फ ऑडिट कैसे करना है इसके लिए नहीं देंगे हम उसे स्टैंडर्ड ऑडिट करने के साथ साथ रिव्यू कैसे करना है उसके लिए भी देंगे ऑडिट और रिव्यू में फर्क क्या होता है ऑडिट इज अ रीजनेबल अश्योरेंस रिव्यू इज अ लिमिटेड अश्योरेंस मैंने दोस्त को फोन लगाया मैंने बोला यार स्विट्टी जैन का रिश्ता मेरे लिए आया है जरा पता करके बताओ उसके बारे में अपने से एक बैच जूनियर थी हमारे दोस्त ने हमारे से तीन बैच जूनियर तक साथ में पढ़ाई करी है इतने अटेम्प्ट लगाए भाई ने और सबको बहुत अच्छे से जानता है उसने बोला अरे स्विट्टी उसे कौन नहीं जानता सब बता दूंगा तुझे एक दिन का समय दे एक दिन बाद उसका फोन आया और उसने बोला यार हमने सब पता कर लिया है उसकी स्कूल की फ्रेंड भी मिल गई है उसका कॉलेज का फ्रेंड भी मिल गया है मैंने बोला मिल गया है मतलब उसने बोला सबसे बात कर ली लड़की है एकदम हीरा हीरा she is a pure diamond हमने बोला भाई डायमंड तो ठीक है बाकी कोई दिक्कत तो नहीं बोला अरे शी इज फायर हमने बोला भाई फायर मतलब क्या कर रहा है उसने बोला अरे मतलब पढ़ने में फायर थी हमला भाई और बताओ उसने बोला हमने सब तहकीकात कर लिए स्कूल कॉलेज आर्टिकलशिप घर फैमिली पड़ोसी रिश्तेदार एवरीथिंग और हमारे हिसाब से सब कुछ ठीक है यू कैन गो अहेड अगर वो हाँ बोलते तो तुझे तो रुकना ही नहीं है तो वो क्या कर रहा है एक पॉजिटिव एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस दे रहा है इसे बोलते हैं दोस्तों ऑडिट पर ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे नहीं दे रहा है कोई दूसरी इंफॉर्मेशन है ऐसी ऐसे काम नहीं करता है वो सिर्फ किस पे काम करता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे तो जब आप हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे एक हाई डिग्री का एश्योरेंस देते हो जिसे रीजनेबल इश्योरेंस कहा जाता है कई लोगों को लगता है रीजनेबल का मतलब सस्ता इकोनॉमिकल यानी मॉडरेट ऐसा नहीं है ऑडिट में रीजनेबल का मतलब होता है हाई हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे देते हैं रीजनेबल कहा जाता है जबकि अगर मैंने दोस्त को फोन लगाया फिर मैंने बोला यार कुछ एक दो महीने बाद फिर फोन लगाया स्वीटी के बजाय उससे सिल्की के बारे में पूछा फिर उसने पूरा पता करके दिया फिर उसके बाद हमने एक दिन फिर फोन लगाया हमने बोला यार स्वीटी सिल्की दोनों ने मना कर दिया तो तो शांति देवी के बारे में पता करके बता दी उसने बोला यार ये बहुत परेशान कर रहा है हमने बोला यार बहुत अर्जेंट है अच्छा हमको जवाब देना है नहीं तो उन्होंने बोल दिया है कि ऑफर क्लोजे सून अब तो उसके पास ज्यादा समय नहीं और वो भी परेशान हो चुका है आपके लिए काम कर करके तो उसने क्या किया बेसिक बेसिक पता कर लिया और फिर हमें इस बार फोन ला के उसने ये नहीं बताया सही है कर ले उसने बोला यार हमने जितों से पूछा है कुछ गलत नहीं मिला है बाकी तू तो तेरे हिसाब से देख ले तो वो आश्वासन तो दे रहा है पर ही इज नॉट गिविंग की सब कुछ ठीक है इज जस्ट सेंग आई डोंट नो एनीथिंग नेगेटिव अबाउट इट बेस्ड ऑन वॉट आई हैव डन ये एक रीजनेबल लेवल नहीं है ये एक मॉडरेट छोटा लेवल का एश्योरेंस है लिमिटेड एश्योरेंस जिसे रिव्यू कहते हैं तो रिव्यू के अंदर वी जस्ट गिव अ लिमिटेड ऑफ नो नेगेटिव हमें कुछ गलत नहीं दिखा पर हम ये नहीं बोलते सब सही है इस लाइक like मैंने दोस्त से पूछा कि यार ये तूने मोबाइल नया लिया है कैसा है उसने जवाब दिया बहुत बढ़िया भाई सही है तू भी ले सकता है पॉजिटिव उसने जवाब दिया यार भाई देख मैंने अभी अभी लिया है ज्यादा दिन हुए नहीं है और मेरे हिसाब से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है बाकी तेरी जरूरत के हिसाब से तू देख ले तो दिस इज नॉट अ पॉजिटिव अश्योरेंस की ले ही इज अ नो नेगेटिव कुछ गलत नहीं है तू चाहे तो ले सकता है इसे रिव्यू कहते हैं आपके सिलेबस में रिव्यू नहीं है लेकिन आपके सिलेबस में ये इंट्रोडक्शन है इसलिए ये पढ़ना पड़ेगा तो आईसीआई ने बोला है कि अगर आप हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यानी कि जो पास्ट इवेंट की इन्फॉर्मेशन है जो हो चुकी है उससे बने हुए फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का अगर आप डिटेल में चेक करके उस पर एक पॉजिटिव एश्योरेंस रीजनेबल इश्योरेंस हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस देते हैं कि ये सही है या नहीं है तो इसे ऑडिट कहते हैं मॉडरेट डिग्री का लिमिटेड नो नेगेटिव टाइप का इश्योरेंस जैसे उसे रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं आप कैसे करोगे इसे तो एस दिए हमने ऑडिट के लिए और एसआर दिए हमने रिव्यू के लिए पर हो सकता है कि मैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बजाय नॉन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिव्यू करूं या ऑडिट करूं और उस पर ओपिनियन दूं जैसे कि बैंक से लोन लेने के लिए बैंक कहती है कि तीन साल के प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन बना के दीजिए तो तीन साल की प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन अगर मैंने बना के दी है तो बैंक उस पर्टिकुलर केस में क्या करेगी बैंक ऑब्वियसली कहेगी कि भैया इसका आप किसी से क्या करो ऑडिट करवाओ कोई सीए ए से कि आपने ये जो तीन साल के प्रोजेक्टेड इन्फॉर्मेशन बनाई है ये सही है या नहीं तो मैंने एक को कहा कि भाई मैंने तीन साल के प्रोजेक्शन बनाए इसको चेक करके ऑडिट करो अब सीए ये तो नहीं कह सकता कि भैया ये प्रोजेक्शन सही है क्योंकि ये तो फ्यूचर कंटिजेंट इवेंट्स पर बेस्ड है इसका एक्चुअल में क्या होगा ये तो समय ही बताएगा

तो ध्यान रखो सिंपल सा फंडा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के ऑडिट पे एस एज हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के रिव्यू पे एस आर ई इसके अलावा किसी चीज़ पे आप अश्योरेंस दे रहे हो यानी वो चीज़ ना तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल डेटा है मतलब या तो वो फाइनेंशियल डेटा ही नहीं है या है तो हिस्टोरिकल नहीं है जैसे कि के वाला ऑडिट इंडियन आइडल वाला ऑडिट या ही है ये हो सकते हैं अदर एश्योरेंस इंगेजमेंट इन्हें बोलते हैं एस ही स्टैंडर्ड ऑन अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट ये भी आपके सिलेबस में नहीं है एक्सेप्ट द इंट्रोडक्शन और कई बार आपसे सिर्फ बी आर एस वगैरह बनाने के लिए कह सकते हैं यानी आपसे कोई आश्वासन नहीं मान रहे सिर्फ बोल रहे हैं कुछ प्रोसीजर्स लगा के दे दो ये दो बैंक रिकनसाइल करके दे दो हमारी कंपनी के क्या है पचास बैंक अकाउंट अकाउंटर कंसिलियन बहुत टफ है सीए को अपॉइंट किया बोला कर दे कंपाइल कर दे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे असाइनमेंट जिसमें सीए कुछ चेकिंग नहीं कर रहा है ओपिनियन नहीं दे रहा है सिर्फ आपने जो बोला वो करके आपको प्रिपेयर करके दे रहा है तो ये प्रिपरेटरी सर्विसेज है नॉन अश्योरेंस सर्विसेज है इसको कैसे करना है इस पर भी आईसीआई कुछ गाइडलाइन देता है या स्टैंडर्ड देता है जिसे एस कहते हैं स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज और इन सब में आपको एक कॉमन क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगी जैसे अपने स्टाफ का सुपरविजन उसका रिव्यू करना प्रॉपर डायरेक्शन देना जिसके लिए आईसीआई इशू करता है स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल तो अगर आप देखेंगे तो ऑल इन ऑल एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड में पांच तरह के स्टैंडर्ड आते हैं नंबर वन एसक्यूसी जो सारे असाइनमेंट पे लगता है नंबर टू एस एज जो सिर्फ ऑडिट पे लगता है नंबर थ्री स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स स्टैंडर्ड ऑन अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट और स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस इन सबको कलेक्टिवली एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड कहते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आए एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड क्या है चार मार्क के लिए बताइए तो बस ये पांच नाम लिख देना था इंटरनेशनली इन्हें आई एस ए कहते हैं इंडिया में ऐसे कहते हैं इंटरनेशनली इसका नंबर होता है कोड होता है जैसे वन टू नाइनटी नाइन है मतलब एस क्यू सी होगा हंड्रेड टू नाइन नाइनटी नाइन है यानी स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट होगा टू थाउजेंड सीरीज है यानी रिव्यू का होगा थ्री थाउजेंड सीरीज है तो अदर एश्योरेंस फोर थाउजेंड सी तो रिलेटेड सर्विस तो ऐसे इंडिया में भी जो नंबर्स दिए गए वो एक तरह का कोड है मैंने यहाँ पे ऐसे अलग से लिखा है क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ सिलेक्टेड एसेज कोर्स में इसके अलावा आपको इनमें से कुछ भी कवर करने की जरूरत नहीं है एस जरूर आपके कोर्स में है एस क्यू सी वन एक ही स्टैंडर्ड है अब स्टैंडर्ड सबसे ज़्यादा ऑडिट के दिए जाते हैं तो ऑडिट के स्टैंडर्ड को सब डिवाइड किया जाता है शुरू की जो हंड्रेड टू सॉरी हंड्रेड टू वन नाइनटी नाइन सीरीज है दैट इज केप्ट बेसिकली फॉर इंट्रोडक्टरी मैटर इस पर अभी तक कोई ऐसे इशू नहीं हुआ है देन 200 सीरीज में जनरल प्रिंसिपल स्कोप ऑब्जेक्टिव 300-400 सीरीज में रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल 500 में ऑडिट एविडेंस प्रोसीजर्स यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिट कंक्लूजन 800 सीरीज स्पेशल ऑडिट की है ये आपके सिलेबस में नहीं है ना ये सीए फाइनल में आपके सिलेबस में है ना इंटर में क्योंकि ये सिर्फ स्पेशलाइज्ड असाइनमेंट्स की बात करती है इसलिए कोर्स में नहीं तो ये आपका शॉर्ट नोट तैयार हो गया एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड का अब इसमें से ऑडिटर को क्या फॉलो करना है आई ने आपके इंटर के कोर्स में क्या रखा है सिर्फ कोर्स में है तो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग अगर आप फॉलो करोगे तो सबसे पहली बात क्या स्टैंडर्ड मैंडेटरी होते हैं तो ध्यान रखना दोस्तों इंस्टीट्यूट तीन तरह के पब्लिकेशन इशू करता है जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एक होते हैं स्टैंडर्ड दूसरे होते हैं स्टेटमेंट तीसरे होते हैं गाइडेंस नोट याद रखिएगा स्टैंडर्ड मैंडेटरी है स्टेटमेंट मैंडेटरी है गाइडेंस नोट रिकमेंडेटरी स्टैंडर्ड मैंडेटरी है यानी कि सीए को फॉलो करना ही करना है स्टेटमेंट भी फॉलो करना ही करना है गाइडेंस नोट उसे फॉलो करना चाहिए ऐसा यानी उसके पास ऑप्शन है नहीं भी फॉलो करने का स्टैंडर्ड शब्द तब यूज करते हैं जब वो कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर बेस्ड होता है पर अगर कोई अपन लोकल कंट्री के लिए कोई मैंडेटरी चीज निकालते तो उसे स्टेटमेंट शब्द से डिनोट किया जाता है जैसे कारो आपने सुना होगा वो इंडिया में ही होती है हर कंट्री में नहीं होती है तो कारो के ऊपर आईसीआई को अगर कोई चीज मैंडेटरी करनी है कि ऑडिटर ऐसे चेक करेगा तो वो इश्यू करेगा स्टेटमेंट ऑन ऑडिट ऑफ कारो लेकिन उसे अगर उसे रिकमेंडेटरी रखना है कि भाई हम गाइडेंस दे रहे हैं कैसे चेक करना है तो बोलेगा गाइडेंस नोट ऑन ऑडिट ऑफ कारो पर अगर उसे कोई अकाउंटिंग या ऑडिटिंग का स्टैंडर्ड देना है तो उसे इंटरनेशनल नॉर्म से मैच करना पड़ता है और उस कारण से उसे नाम दिया जाता है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग या स्टैंडर्ड ऑन अकाउंटिंग और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारे स्टैंडर्ड या गाइडेंस नोट या स्टेटमेंट या तो अकाउंटिंग मैटर के होंगे या ऑडिटिंग मैटर के होंगे अकॉर्डिंगली उन्हें स्टेटमेंट ऑन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग मैटर कहा जाता है अगर वो अकाउंटिंग मैटर पे है और आप सीए किसी का एंटिटी का अकाउंटिंग कर रहे हो तो मैंडेटरी है इंजोर करना वो फॉलो हो आप ऑडिट कर रहे हो तो मैंडेटरी है फॉलो करना कि अकाउंटेंट ने ऐसी अकाउंटिंग करी है नहीं तो आप रिपोर्ट मॉडिफाई करिए सिमिलरली ऑडिट के स्टैंडर्ड अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो आपको फॉलो करना जरूरी है

तो दिस इज बेसिकली बहुत पहले कभी सालों हो गए स्टेटमेंट और गाइडेंस नोट के डिफरेंस पे क्वेश्चन पूछा गया था आईसीआई ने कुछ गाइडेंस नोट को दोस्तों मैंडेटरी कर रखा है और बोल रखा है कि इसे फॉलो करना पड़ेगा इसका एक उदाहरण हो सकता है अगर आपने अकाउंटिंग एडवांस अकाउंटिंग में गाइडेंस नोट ऑन एम्प्लॉज शेयर बेस्ड पेमेंट जिसका नाम अब शेयर बेस्ड पेमेंट हो चुका है रिवाइज होने के बाद वो पढ़ा होगा आईसीआई ने बोला है कि इसे फॉलो करना मैंडेटरी है भले ही यह गाइडेंस नोट है तो गाइडेंस नोट मैंडेटरी का मतलब आप फॉलो करो अनलेस आपके पास आप बहुत स्ट्रांग रीजन हो उसे फॉलो नहीं करने के तो फिर आपको डिस्कलोजर देना पड़ेगा कि भाई इस कारण से मैंने फॉलो नहीं किया अदरवाइज आपको फॉलो करना ही होगा अनलेस यू हैव गुड नॉट टू फॉलो इट सो विद दिस बैकग्राउंड लेट्स टॉक अ लिटिल अबाउट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ऐसे इसका फॉलो करना होते हैं किस केस में लगते हैं आपने सुना होगा दोस्तों तो एक इंटरनल ऑडिट होता है एक एक्सटर्नल ऑडिट होता है इंटरनल ऑडिट होता है किसके लिए तो शब्द का डिफरेंस किससे आता है बेसिकली किसके लिए ऑडिट हो रहा है उसके बेसिस पे मैनेजमेंट ने आपको अपॉइंट किया है मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है और मैनेजमेंट आपको बोल रहा है ऑडिट करके मुझे बता दो सही बने या नहीं बने ताकि मैं सही कर दूं तो ये इंटरनल ऑडिट है बिकॉज ये इंटरनल यूजर्स के लिए मैनेजमेंट के लिए पर शेयर होल्डर आपको बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट ने जो ऑडिट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया उसको ऑडिट करके चेक करके बताओ सही बनाया नहीं और हमें बताना तो शेयर होल्डर कंपनी का इंटरनल आदमी नहीं है एक्सटर्नल है वो इन्वेस्टर है ओनर है कंपनी का बट वो कंपनी और वो पर्सन अलग अलग है तो इज अदर देन द कमनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी तो इसके लिए आप कोई ऑडिट कर रहे हो इनकम टैक्स के लिए कोई ऑडिट कर रहे हो कंपनीज एक्ट के लिए कोई ऑडिट कर रहे हो ये सब नॉर्मली क्या होंगे थी विल बी एक्सटर्नल ऑडिट तो इट डिपेंड्स ऑन द यूजर कंपनीज एक्ट में भी अगर आप मैनेजमेंट के लिए इंटरनल ऑडिट कर रहे हो तो ये इंटरनल कराएगा लेकिन शेयर होल्डर के लिए जो ऑडिट होगा बैंक के लिए जो होगा वो एक्सटर्नल होगा एक्सटर्नल ऑडिट ही इंडिपेंडेंट ऑडिट होते हैं क्योंकि ये किसी और के लिए किए जाते हैं अगर आप कंपनी के मैनेजमेंट के लिए कर रहे हो तो वो आपके स्कोप को कम ज्यादा कर सकते हैं तो इंटरनल ऑडिट पे एस आई ए स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट आई सी इशू करता है जो रिकमेंडेटरी होते हैं वो लगते हैं हमारे सिलेबस में वो नहीं है हमारे सिलेबस में हालांकि उसका एक इंट्रोडक्शन ज़रूर है हमारे सिलेबस में जो है वो है एस ए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट तो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट मैंडेटरी है ये सिर्फ ऑडिटिंग मैटर्स के ऊपर लगते हैं हर सी इंडिपेंडेंट ऑडिट कर रहा है किसी एंटिटी का एक्सटर्नल ऑडिट कर रहा है नॉट फॉर द मैनेजमेंट जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करे कि स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट फॉलो करके वो ऑडिट करे और अगर कोई स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ सम लिमिटेशन इम्पोज बाय लॉ मैनेजमेंट तो उसे अपनी रिपोर्ट में बताना पड़ेगा कि भैया ये स्टैंडर्ड इन कारणों से फॉलो नहीं हो पाया तो कहाँ पे लगता है एप्लीकेबिलिटी क्या है इंडिपेंडेंट ऑडिट विच इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन डेफिनेशन है आपके ऑडिट की वहां पे ऐसे अप्लाई करेगा ये मेंबर की ड्यूटी है कि जब भी वो अटेस्ट अटेस्ट मतलब अश्योरेंस सर्विस ओपिनियन देने वाले कोई काम करता है तो उसे इंश्योर करना है कि स्टैंडर्ड फॉलो करके उसे ऑडिट करना है किसी भी कारण से अगर वो कोई ऑडिट में इन स्टैंडर्ड का पालन नहीं कर पाया तो उसे रिपोर्ट में बताना पड़ेगा कि इसका पालन नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ कारण क्या हो सकता है मैनेजमेंट ने नहीं करने दिया रोक दिया ऐसा कुछ ध्यान रखिएगा दोस्तों सारे स्टैंडर्ड्स मैंडेटरी होते हैं कब से थर्ड स्टैंडर्ड में डेट दी जाती है कब से मैंडेटरी है तो उस तारीख से ये मैंडेटरी हो जाते हैं और उस तारीख से फिर आप कोई भी ऑडिट करेंगे तो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन होगी कि आप उसका पालन करें तो ये ऐसे इसका आपका बैकग्राउंड है स्टेटमेंट और गाइडेंस नोट का बैकग्राउंड है इसी के साथ आपका इंट्रोडक्शन टू स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और रादर आई वुड रादर से इट इज बेसिकली एन इंट्रोडक्शन टू एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स जिसका आपका डिस्कशन कंप्लीट होता है चलिए तो वंस वी हैव डन विद इंट्रोडक्शन अब अगले वीडियो में अपन ऐसे 200 सीरीज के स्टैंडर्ड्स स्टार्ट करेंगे ऐसे 200 नाम ही लिख दोगे तो दो मार्क मिल जाएंगे आपको ऐसे 200 बात करता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर नॉट ऑडिट एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट एज पर एस पहले इसमें बहुत सारी टर्म्स डिफाइन की गई है जो अपने लिए बड़ी क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट है और जो मैंने एक इंट्रोडक्शन टू ऐसे रिविजन का, का शेयर किया था उसके कॉन्टेक्स्ट में अब आप सारे देख ले, एक बार उसे देख ले। वेटेज समझना है आपको उसे किसका है सबसे पहले फ्रेमवर्क की बात करते हैं कुछ डेफिनेशन दी गई है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कई बार ये शब्द आपने फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है फ्रेमवर्क अ सेट ऑफ पॉलिसीज रूल्स गाइडलाइंस इब हाउ शुड यू प्रिपेयर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो दैट इज द फ्रेम वर्क विल बिकम द बेसिक गाइडलाइन एन्य रूल बुक जिससे आप डिसाइड करोगे की अकाउंटिंग कैसे होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे दिखेंगे दिस विल नॉर्मली प्रिस्क्राइब द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट पी एंड एल कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो इंडेस फॉलो करती है कंपनी उनके लिए उसके अंदर क्या कंटेंट आएगा डिस्कलोजर आएंगे और अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होंगी भारत में आप कह सकते हो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब द फ्रेमवर्क फॉर अकाउंटिंग बट अलॉन्ग विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर आप कंपनी है तो फिर आपको कंपनी एक्ट का शेड्यूल थ्री में फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एसपीएल देखना होगा वो दोनों चीजें कलेक्टिवली मिलकर आपका फ्रेमवर्क बनेगी तो फ्रेमवर्क जो होते हैं उसमें दो तरह के सवाल उठते हैं एक भैया जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या कंपनीज एक्ट ने दिया है क्या मुझे बस उतना ध्यान रख के अकाउंटिंग करना है या मैं ये मानता हूं कि कई बार ऐसा हो सकता है कि ए कुछ चीजें ऐसी हो जिसकी अकाउंटिंग किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में प्रिस्क्राइब ना जैसे कि अगर आप इन्वेस्टमेंट गोल्ड में करते हो और उसमें ट्रेडिंग भी करते हो बेसिकली विद एन ऑब्जेक्टिव टू मेक गेन आउट ऑफ इट ये प्रैक्टिकली किसी भी एज में कवर नहीं होता ए एस टू इन्वेंट्री इस पर लगता नहीं है क्योंकि आपका कोर बिजनेस नहीं है इन्वेंट्री नहीं है एंड एज थर्टीन इस पर लगता नहीं है क्योंकि टेक्निकली है ये इन्वेस्टमेंट के नेचर का नहीं है इट इज कमोडिटी ऐसे केस में आप अकाउंटिंग कैसे करोगे तो अगर आप ये कहते हो कि भैया जितने जिते जो बातें दी गई है और जो शेड्यूल थ्री या कंपनीज एक्ट या अगर दूसरी कोई भी एंटिटी है तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी प्रिस्क्राइब उतना उतना फॉलो कर लिया तो मान लिया जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे बनने थे बन गए उसके अलावा बची हुई चीजों पर मैं कुछ भी कर सकता हूं अगर आप इस सोच के साथ अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो आपका उद्देश्य सिर्फ क्या करना है पालन करना आप कटप्पा हो कटप्पा जो क्या बोलता है भैया की मास्मती कि शासक का जो भी हमारे लिए ऑर्डर है जो भी हमारे लिए उन्होंने निर्देश दिए हैं बस हम उसका पालन करेंगे सही या गलत उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसे कहते हैं कंप्लायंस फ्रेमवर्क यहां पे हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है कि जो जो प्रिस्क्राइब है उसे फॉलो करो लेकिन अगर हम बाहुबली जैसे और हम कहते हैं कि नहीं धर्म की रक्षा करने के लिए अगर विधान के विरुद्ध भी जाना पड़े तो हमें जाना चाहिए क्योंकि हमें धर्म की रक्षा करनी है तो ये हो गया फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क सर बाहुबली की बात क्या कर रहे हो अब तो तेजी चल रहा है तो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क मतलब ए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या लॉज एंड रेगुलेशन ने दिए हैं या जो प्रिंसिपल दिए हैं उसे फॉलो करेंगे तो वी विल फॉलो कंप्लायंस फ्रेमवर्क पर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में हो सकता है कि जो फ्रेमवर्क ने प्रिस्क्राइब किया गया हो वो फॉलो करके अकाउंटिंग गलत हो रही हो या उसमें कुछ प्रिस्क्राइब नहीं हो तो हमें कुछ अलग से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करना पड़े डिस्क्लोजर्स देना पड़े हम ये आश्वासन देते हैं कि हम ऐसा करेंगे क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ पालन करना नहीं है जो दिया है उसका हमारा उद्देश्य है फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करना इसका मतलब अगर आपके घर वाले घूमने गए और वापस आए और उनको डर था कि इस दौरान जब घर पे कोई भी नहीं था तो वो आपके घर आई थी और बाबूजी आते से ही आपसे पूछते हैं क्यों वो घर आई थी और आपने जवाब दिया नहीं आई थी तो आपने उनके सवाल का सही जवाब दिया है क्योंकि वो घर नहीं आई थी उसके भी घर वाले कहीं घूमने गए थे और हम उसके घर गए थे घरवालों ने पूछा क्यों वो आई थी हमने बोला नहीं आई थी इसका मतलब आपका जवाब करेक्ट है पर फेयर नहीं है यू आर ट्रू इन योर आंसर बट यू आर नॉट फेयर इन योर आंसर सही जवाब क्या होना चाहिए था तो आपको समझना था सामने वाला क्या जानना चाह रहा है कि तुम उससे मिले थे क्या इस दौरान हमें बोलना था कि भैया देखो वो यहां पर पापा देखिए वो यहां नहीं आई थी लेकिन हम उसके घर गए थे ये फेयर आंसर होता तो ट्रू एंड फेयर इज मोर डिफिकल्ट देन ट्रू एंड करेक्ट ट्रू एंड फेयर का उद्देश्य क्या होता है कि हम इंफॉर्मेशन सिर्फ सही सही ट्रू ट्रू करेक्ट करेक्ट ना दें ट्रू और करेक्ट तो सिनोनिम जैसे हम साथ ही साथ में फेयर दें यानी कि जब हम लगता है यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर या कोई चीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दिए उसके अगेंस्ट भी जाके अकाउंटिंग करना पड़ेगी तो हम करेंगे दिस इज समथिंग विच इज टर्मड एज फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क तो फ्रेमवर्क दो तरह के होते हैं दोस्तों एक होता है कंप्लायंस फ्रेमवर्क दैट रिक्वायर्स कंप्लायंस विद रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फ्रेमवर्क इट डज नॉट कंटेन्स एन एक्नॉलेजमेंट टू अचीव फेयर प्रेजेंटेशन

लेकिन इन्वेंट्री अगर आपकी स्लो मूविंग है तो बेहतर होगा कि आप एक डिस्क्लोजर दे दो कि इन्वेंट्री करंट क्लासिफाई होती है लेकिन हमारी कोई इन्वेंट्री है जो तीन साल से बिकी नहीं है और आगे भी लगता नहीं है कि एक दो साल में बिकेगी इससे यूजर को बेहतर इंफॉर्मेशन मिलेगी हालांकि ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताने की या कंपनीज एक्ट में बट फिर भी अगर आप सपोज बताते हो ऐसा तो ये क्या कर रहे हो यू आर बेसिकली ट्राइंग टू अचीव अ फेयर प्रेजेंटेशन कि आप यूजर को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हो ताकि उसके पास वो फेयर इंफॉर्मेशन जाए जिससे उसकी डिसीजन मेकिंग प्रॉपर हो अगर इस सोच से मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की बात करता है तो कहा जाता है कि मैनेजमेंट फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क फॉलो कर रहा है इस केस में ऑडिटर अपने ओपिनियन में लिखेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं लेकिन मैनेजमेंट बोलता भैया मैं कोई एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर नहीं दूंगा जो बेसिक मांगा है बस उतना ही दूंगा तो फिर हम कहेंगे कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम भी जवाब में सिर्फ ये लिखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एज पर सच एंड सच लॉ रेगुलेशन फ्रेमवर्क आगे वो लाइन नहीं लिखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिवर टू एंड फेयर व्यू इसलिए भारत में टू एंड फेयर व्यू क्योंकि रिपोर्ट में आता ही आता है इसलिए भारत में मेजोरिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क ही बनते हैं अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं दीज आर स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कौन सी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो पास्ट इवेंट से घटित हुई है यानी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इफॉर्मेशन इट विल ऑल्सो इंक्लूड द नोट्स कम्प्राइजिंग द समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड एक्सप्लेनेटरी मटीरियल ये एक सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हो सकता है जैसे सिर्फ बैलेंस शीट या कंप्लीट भी हो सकता है नॉर्मली हम इसे जनरल पर्पज़ के लिए बनाते हैं ना कि कोई स्पेसिफिक यूजर के लिए तो उसे कहते हैं जनरल पर्पज़ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट अगर आप कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेसिफिकली लेट्स से यूएस में लिस्टिंग कराने के लिए यूएस के लॉस के अनुसार बना रहे हो वो स्पेसिफिकली यूएस के से भी वहाँ पे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन कहते हैं उसके लिए बनाए तो वो स्पेशल पर्पज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कह हैं उसका ऑडिट एट सीरीज में होता है जो आपके सिलेबस में नहीं है तो हमें सिर्फ जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑर्डर करना है तो नॉर्मली क्वेश्चन साइलेंट है तो आप मान लीजिएगा कि आप फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में बन रहे जनरल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी जो जनरल यूजर्स के लिए बन रहे हैं उसका आप ऑडिट कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना ऑडिटर की जिम्मेदारी है या मैनेजमेंट की ऑब्वियस ही बात है मैनेजमेंट की हमारा काम है सिर्फ उसे चेक करना हो सकता है ये बेसिक सी चीज में भी कभी कोई डाउट आ जाए कम वक्त हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर ऑडिटर को कभी ये लगे या कोई मैनेजमेंट को ऐसा लगे कि अरे ये तो ऑडिटर का काम है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा मैं तो सिर्फ ट्रायल बैलेंस बना के दूंगा तो इसके लिए हम बोलते हैं कि भैया ऑडिट में एक चीज़ अच्छे से समझ लो अच्छे से समझ लो इसका मतलब दिस इज बेसिक अजम्पन ऑफ ऑडिट इसलिए इसको नाम दिया गया ऑडिट प्रेमाइज का सिनोनिम सॉरी प्रेनाइज का सॉरी प्रेमाइज का मीनिंग अगर आप ढूंढोगे तो यू विल फाइंड मीनिंग में प्रेमाइज ऑल्सो मीन्स अजम्पन अजम्पन का मतलब क्या होता है ये चीज मान के चली जाती है ऐसा माना जाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना इंटरनल कंट्रोल डिजाइन करना फ्रॉड और एरर डिटेक्ट प्रिवेंट करेक्ट करना ये सब मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है ऑडिटर का ये काम नहीं है ऑडिटर का काम का सिर्फ क्या है बेसिकली जो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंट्रोल्स बनाए उसे चेक करके उस पर रिपोर्ट देना तो इट इज ए द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क विच इंक्लूड्स ए डी आई एम आईसी याद रखना डिजाइन इंप्लीमेंट मेंटेन इंटरनल कंट्रोल्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच आर फ्री फ्रॉम मटीरियल स्टेटमेंट तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एरर फ्री बनाने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है उसके लिए वो इंटरनल कंट्रोल को डिजाइन करता है उसे इम्प्लीमेंट करता है और इन्श्योर करता है कि वो मैंटेन हो कंटिन्यूसली चले और इन्श्योर करे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलती ना हो फ्रॉड ना हो एर ये तो मैनेजमेंट की पहली जिम्मेदारी है कि उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरनल कंट्रोल बनाने दूसरी जिम्मेदारी है कि ऑडिटर ऑडिट audit करने आएगा तो आप मैनेजमेंट ऑडिटर को यह नहीं बोल सकता है ऑडिटर ने बोला अच्छा चलो बताओ आपकी इन्वेंट्री कहां रखी हुई है उन्होंने बोला तू खुद ढूंढ ले हम बोला ये कैसा जवाब है उसने बोला ऑडिट करने आए पैसे ले रहे हो खुद ढूंढो हम थोड़े ना बताएंगे हम बोलेंगे बॉस तुम्हारी दूसरी जिम्मेदारी है यू विल हैव टू प्रोवाइड अस ऑल इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड्स एक्सेस टू पीपल दिज

अगर कंपनी का कोई डेटर है या कोई सप्लायर है या कोई एक्सटर्नल लीगल एडवाइजर है जो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है उनसे मेरा अधिकार नहीं है कि मैं जाके बात कर सकता हूं उसके लिए मुझे मैनेजमेंट से परमिशन लेना है पर कंपनी के एम्प्लॉय से बात करने के लिए परमिशन की कोई जरूरत नहीं तो ऑडिट प्रमाइज में दो चीजें आती है इट इज रिस्पॉसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टी सी के अपन डिस्कस करते हैं टू ए प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क विच विल इंक्लूड डी आई एम इंटरनल कंट्रोल सो दैट देआर

सपोज मेरी कंपनी में एक हज़ार करोड़ की फिक्स डिपॉजिट है मैंने बोला भैया एफ डी कहाँ है उन्होंने उसकी एफ डी की ओरिजिनल रिसीप मुझे दिखा दी उसका सर्टिफिकेट प्रिंट दिखा दिया ओरिजिनल दिखा दिया क्या ये पर्याप्त है इट इज़ अ गुड ऑडिट एविडेंस बट एक हजार करोड़ की एफडी के लिए शायद मैं चाहूँगा कि सिर्फ मैं एक पेपर के टुकड़े पर ना विश्वास करके लच्चे बैंक से भी कन्फर्मेशन ले लूँ कि भैया ये एफ तोड़वाई तो नहीं गई है ये वैलिड है या नहीं है इसके अगेंस्ट में कोई लोन तो नहीं लिया तो इसका मतलब आपको एक हजार करोड़ की एफडी में एफडी का सर्टिफिकेट सफिशियंट एविडेंस नहीं लगा आपको लगा कि इसके लिए हमें एक और एविडेंस ले लेना चाहिए जैसे कि थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन बैंक से कंफर्मेशन राइटिंग में तो हमें ऐसा लगेगा कि हमें सफिशियंट पर्याप्त और उपयुक्त अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल है तो दिस इज सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ये प्रोफेशनल जजमेंट ऑडिटर का क्या सफिशियंट है क्या अप्रोप्रिएट है सफिशियंसी रेफर्स टू क्वांटिटी अप्रोप्रिएटनेस रेफर्स टू क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस इसके बारे में डिटेल में ऐसे 500 में चर्चा होती है बट बेसिक फंडा ये है कि जितना रिस्क ज्यादा आया जितनी मटिरटी ज्यादा एविडेंस उतने ज्यादा लगते हैं सेकेंड एविडेंस की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उतने एविडेंस कम लगेंगे क्वालिटी अगर खराब होगी तो आपको एविडेंस उतना ज्यादा लगेगा So, sufficiency depends on two things, one materiality and two it also depends on risk of material misstatement. So, materiality and risk and second quality, quality this depends on relevance or reliability in detail we will discuss in 500 series. Next financial statement we just talked about it structural representation of historical financial information, what is historical financial information? Financial information based on events occurring in past time or period of economic conditions. और ऑडिट क्यों दो लोग एक जैसा कभी नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट दिस इज डेफिनेशन ऑफ पीजे पी जे प्रोफेशनल जजमेंट आप बताइए लाइफ में आपके सामने जब डिसीजन लेने की बात आती है तो आप जजमेंट कैसे लेते हैं कॉमर्स या साइंस कॉमर्स विथ मैथ्स या कॉमर्स विथ कंप्यूटर्स या कॉमर्स विथ लॉ कैसे डिसाइड करोगे क्या लेना है इट्स अ मैटर ऑफ जजमेंट ये जजमेंट आप ले किसके ऊपर डिपेंड करेगा ये डिपेंड करेगा आपके नॉलेज ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगा आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आपके स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो एज एन ऑडिटर एक अकाउंटेंट के लिए याद हो जाएगी आपको बहुत ही ईजी है वॉट आर प्रोफेशनल जजमेंट इट इज एप्लीकेशन ऑफ रेलिवेंट ट्रेनिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड बाय ऑडिटिंग अकाउंटिंग एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉर मेकिंग डिसीजन विच आर अप्रोप्रिएट इन दैट सर्कमस्टांसिस ऐसे याद रखना आप इसको एप्लीकेशन ऑफ तीन चीजें ट्रेनिंग नॉलेज और एक्सपीरियंस कहा दी हुई है ये नॉलेज हमें तो प्रोवाइडेड बाय ऑडिटिंग अकाउंटिंग एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स वापस से तीन चीजें

स्टैंडर्ड के पॉइंट्स पे ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एक बात बताओ एक ऑडिटर का उद्देश्य क्या होता है सर ओपिनियन देना क्या ओपिनियन देना स्टेटमेंट अगर मैं टेक्निकल भाषा में कहूं तो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है या एज पर प्रिस्क्राइब्ड रेगुलेशन बनाए गए अगर कंप्लाइंस फ्रेमवर्क है यानी ऑडिटर का उद्देश्य बेसिकली एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क रिपोर्ट करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर फ्रेमवर्क बने यानी क्या ऑडिटर सारी चीजें चेक करता है हंड्रेड परसेंट चेक करके बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर हंड्रेड परसेंट एज पर एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन नहीं सर हम मटीरियल चीजें चेक करते हैं और हम कोई हंड्रेड परसेंट एश्योरेंस नहीं देते हम एक रीजनेबल हाई डिग्री का एश्योरेंस देते हैं इससे डेफिनेशन बन गई आपकी वॉट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर इट ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन रीजनेबल इश्योरेंस दोस्तों ऐसे टू हंड्रेड बहुत ध्यान से पढ़ना इसका कारण है इसका वेटेज आप देखिए ऐसे टू हंड्रेड का वेटेज आपको क्या है तो यूजुअली आप चार मार्क का क्वेश्चन देखेंगे कभी ऐसा भी हो सकता है सात मार्क का क्वेश्चन आया और डिसमेंटर 21 में अलग ही क्वेश्चन नहीं आए और ऐसा हुआ है तो फिर नॉर्मली पास्ट में आप देखोगे तो अगले अटैम्प में क्वेश्चन आ जाता है तो उस एंगल से दिस इज अ अडी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड सात मार्क का कैसे तो एक चार एक तीन मार्क का क्वेश्चन आ सकता है आपके सिलेबस में सारे क्वेश्चन आपके पेपर में चार तीन या दो मार्क के आते हैं इंट में तो क्या है इंडिपेंडेंट ऑर्डर का उद्देश्य टू ऑपटेन रीजनेबल अबाउट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्राम मटीरियल स्टेटमेंट तो सिंपल याद रखना टू ऑपटे रीजनेबल इंश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्राम मटीरियल स्टेटमेंट जब भी मटीरियल स्टेटमेंट शब्द आता है ना तो अगला शब्द आता है अगला फ्रेज आता है वेदर डू टू फॉड और एर बेस्ड ऑन विच ही कैन एक्सप्रेस एन ओपिनियन तो एनेबलिंग दडिटर टू एक्सप्रेस ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट इन एप्लीके एज पर इन अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक बार वापस से करेंगे टू ऑपटेन रीजनेबल इश्योरेंस

ऐसे के अनुसार और हमारी जो फाइंडिंग है उसको दिमाग में रखते हुए ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर का उद्देश्य है तो अगर आपको डेफिनेशन आती है ऑडिट की तो ये नहीं लिखना है वो क्या लिखोगे आप ऑडिट की डेफिनेशन इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी रिस्पेक्टिव ऑफ नेचर और साइज और इट्स लीगल फॉर्म कंडक्टेड विद व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन पर अगर इंडिपेंडेंट ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव आता है तो फिर ये लिखोगे ऐसे टू के रेफरेंस चलिए अगला शब्द आपको पढ़ना है प्रोफेशनल स्केप्टिज्म प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का मतलब क्या होता है एक व्यक्ति होता है जो चीजों को जैसे मिली वो देख के उसको मान लेता है कि ये सही है कोई गलत थोड़ी ना होगा विश्वास पर जीता और दूसरा ऐसा होता है बोलता है विश्वास हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखों से चीजों को देख लेने से ही होता है तो जब आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको विश्वास कैसे हो रहा है सामने वाले ने बोला आपने मान लिया होता है ना आप कभी घर वालों के साथ या इफ यू गो टू अवर स्टोर एंड इफ यू बाय अ चॉकलेट लेट्स से फॉर एग्जांपल आप जैसे ही चॉकलेट खरीदोगे आप रिलायंस फ्रेश पे गए चॉकलेट खरीदी पैसे दिए आ गए आपने विश्वास कर लिया लेकिन हमारे साथ हमारा बड़ा भाई जाता है तो बोलता है एक मिनट रुक एक्सपायरी चेक कर ले मॉम रहती है तो बोलती है रुक जा प्राइस चेक कर ले और क्या लगाइए वो चेक कर ले देख ले इसमें कोई ऑफर तो नहीं है ये लोग क्या है ये थोड़े ज्यादा सतर्क रहते हैं क्यों क्योंकि ये मान के चलते हैं कि भैया हो सकता है गड़बड़ हो जाए हमने बोला अरे इसमें थोड़ी ना कोई गड़बड़ होगी रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी है इसका मतलब क्या हुआ है कि आप उसकी कंपनी के ऊपर रिलाई इतना करने लग गए हो बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस की आपको लग रहा है रिलायंस फ्रेश में ऐसी गड़बड़ हो ही नहीं सकती तो इसका मतलब क्या है आप बेसिकली यू आर रिलाइंग ऑन वॉट एवर द सम इज टेलिंग यू दिस इज नॉट स्केप्टिसिज्म स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है क्रिएटिंग डाउट

क्वेश्चनिंग खत्म हम सारी चीजों को क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे एविडेंस तो उनका हम क्रिटिकल असेसमेंट करेंगे क्रिटिकल असेसमेंट का मतलब क्या है कई बार आपने देखा होगा घर पर फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई चीज कह दी कि यार कैसा है तो आप सामने मूवी के बारे में ही बात कर ले दोस्त तो से पूछा मूवी कैसी है उसने बोला यार बढ़िया है अच्छी है देखिए अब उसने बोल दिया अच्छी है, देखा हमने बोला बहुत सपन ऐसे नहीं अपना क्वेश्चनिंग माइंड है हम उससे पूछेंगे अच्छा एक बात बता वायलेंस बहुत ज्यादा तो नहीं है के जी की बात उसने बोला भाई वायलेंस ही वायलेंस हमने बोला लैंग्वेज समझ में आती है स्टोरी लाइन कैसा है गाने कितने और बोल रहा है यार ये सब क्यों पूछ रहा है मैंने बोला बॉस सपने को ऐसे नहीं मानते अपन क्रिटिकली असेस करते क्यों डायरेक्टर कौन है अच्छा उसने तो वो मूवी भी डायरेक्ट करी थी अच्छा ऐसा ही क्या यानी आप क्या कर रहे हो आप सिंपल सा तरीका ये सोच लो कि आप एक मूवी देखने जा रहे हो मजे करने के लिए दोस्तों के साथ तो आपका नजरिया अलग होगा पर आप एक मूवी देखने जा रहे हो उसके बेसिस पे आप उस पर एक रिव्यू लिखोगे ब्लॉग लिखोगे और आप बड़ी पॉपुलर व्यक्ति हो आपके ब्लॉग कई लोग फॉलो करते हैं आपके रिव्यूज कई लोग फॉलो करते हैं तो आप ऐसे जनरली मूवी नहीं देखोगे आप क्रिटिकल असेस करोगे मूवी को तो आप देखोगे भैया स्टोरी लाइन कैसी है डायरेक्शन कैसा है सिनोग्राफी कैसी है आपका बैकग्राउंड स्कोर कैसा है यू विल चेक वॉट इज द परफॉर्मेंस ऑफ ईच इंडिविजुअल कैन कैन यू रिव्यू एंड रिपोर्ट ऑन ऑल दैट दट इज समथिंग विच इज नोन एज क्रिटिकल असेसमेंट हम चीजों को इस उद्देश्य से नहीं देख रहे हैं मजे लेना है बस देखने के लिए देखना है इस उद्देश्य से देख रहे हैं कि अपन उसके ऊपर ओपिनियन दे सके इसलिए हम हमेशा अलर्ट रहेंगे टू तो एनी कंडीशन विच में इंडिकेट पॉसिबल मिस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एयर इसलिए आप कई जगह ऐसा भी देखोगे कि अरे ये देख इसने अभी तलवार घुमाई थी राइट हैंड से और दूसरे शॉर्ट में इसकी तलवार लेफ्ट हैंड में आ गई ये कैसे हो गया कुछ तो गड़बड़ है तो ये क्रिटिकल असेसमेंट वाली बात है बारीकी में दे आजों को चेक करना तो प्रोफेशनल स्केप्टिज्म ऑडिटर बारीकी में चेक करके एक हाई डिग्री ऑफ देते हो तो वॉट इज प्रोफेशनल प्रोफेशनल इज रिमेनिंग अलर्ट तो इसको ऐसे बोलेंगे इट इज वॉट हैविंग अ क्वेश्चनिंग माइंड रिमेनिंग अलर्ट टू पॉसिबल मिस और इवेंट्स और कंडीशन टू पॉसिबल मई स्टेटमेंट एंड क्रिटिकलिस अब आप बताइए प्रोफेशनल स्केप्टिज्म में आप अलर्ट किन चीज़ों पे रहोगे बहुत सिंपल सी बात है आपकी वाली ने आपको कहा जब आपने उससे कहा कि यार आज मौसम सुहाना है चल बढ़िया घूम के आते हैं क्या मस्त धूप आ रही है बीच पे चलते हैं और उसने बोला नहीं यार आज तो बहुत पढ़ाई करनी है रिविजन वीडियोज आ गए और मैं रिवाइज कर रही हूँ फिर क्वेश्चन आंसर्स करने ऑडियो पॉट सुनने बहुत सारा काम है हमने बोला चल ठीक है कोई दिक्कत नहीं है उसने हमसे पूछा कौन सी बीच जा रहे और हमने उसे बोला जुहू बीच जा रहे उसने बोला ठीक है और फिर दोस्तों उसके बाद हुआ यह है कि उसने तो मना कर दिया हमने बोला अपन तो जाएंगे अपना तो मोड़ बन गया है तो हम चले गए लेकिन हमने जूहू बीच की बजाय फॉर एग्जाम्पल उसके पास की दूसरी बीच पर हम चले गए जुहू पे भीड़ बहुत थी और जब हम दूसरी बीच पे गए तो हमने देखा कि वो भी थी और वो राज के साथ थी अब आप बताइए दोस्तों जब आपको ऐसा दिखेगा तो इससे क्या होगा ए क्या आपको ऐसा लगेगा कि शायद उसका पढ़ाई हो गई होगी और राज ने उसे बुलाया होगा तो राज के साथ वो यहां पर बीच पर आ चुकी है नहीं अगर आप वहां सपोज फॉर एग्जाम्पल उस बीच पे गए घूम फिर के ऐसे ही आ गए इधर तो उधर कहीं नजरें नहीं डाली आपने जो नॉर्मली एक लड़का नहीं करेगा पर एनी विच वेस तो आप ऐसे ही आ जाते पर अगर आप ध्यान रखते और देखते कि ओ, वो वहां पर रहते तो इससे अब आपको क्या होता आपके मन में कई सारे सवाल आते पहला कॉन्ट्राडिक्ट्री हमें कुछ कह रही थी और कुछ और रहा है जैसे ही आपको कॉन्ट्राडिक्ट्री एविडेंस मिलेंगे तो आपको क्या होगा आपको रिलायबिलिटी पर डाउट होएगा आपको फ्रॉड का अंदेशा होएगा वो आपको लगेगा आगे से मुझे और प्रोसीजर्स लगाना पड़ेगा तो एक ऑडिटर जब भी कोई चीज चेक करता है और उसको लगता है कि मैनेजमेंट कुछ बोल रहा था और अलग से कुछ और निकल के आता है तो उसे सबसे पहले क्या लगेगा कि ये कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है मैनेजमेंट ने बोला था हमारे ऊपर कोई लीगल केस नहीं है पर एक्चुअल में तो लीगल केस है कम नहीं तो अब हमें क्या लग रहा है कि मैनेजमेंट हमें झूठ बोल रहा है कॉन्ट्राडिक्ट्री एविडेंस है तो हम मैनेजमेंट से जितनी इन्फॉर्मेशन हमने लिए उसकी रिलायबिलिटी पे डाउट होगा हमने मैनेजमेंट से पूछा था फ्रॉड तो नहीं हुआ उसके लिए भी मना किया था उस पर भी डाउट हो रहा है तो अब इसे हमें क्या करना पड़ेगा तो अब हमें बहुत केयरफुल रहना होगा तो आगे के प्रोसीजर्स लगाते समय एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा प्लस हमें यह भी देखना है कहीं फ्रॉड तो, तो नहीं हो रहा है हमारे साथ धोखा तो नहीं हो रहा है मैनेजमेंट कुछ छुपा तो नहीं रहा है कब मेंटेन करना चाहिए प्रोफेशनल स्केप्टिज्म तो आप क्या करना है यहां पे याद रखना तो ऐसे याद रख लेना कि भैया हमारी वाली बीच गई ऐसे आप क्या करें निमोनिक्स याद रख लें ये स्टोरी बेस्ड निमोनिक्स है हमारी वाली बीच विथ राज तो याद आ जाएंगी चीजें नेक्स्ट अब आप बताइए अगर आप हर समय प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन करोगे तो आपकी नजरें हर समय हर जगह रहती है तो इससे क्या होगा कभी भी आप चीजों को ओवरलुक नहीं करोगे चांसेस मिस होने के बढ़ जाएंगे सॉरी कम हो जाएंगे तो जैसे अगर आपकी प्रोफेशनल स्केप्टिसम आई होती है और आप उससे बात कर रहे थे और उसने बोला रिवीजन वीडियो आ गए हैं और इसलिए मुझे रिवाइज करना है तो आप बोलोगे यार अभी तो इतने ही आए हैं इतने के लिए तेरे को इतना टाइम क्या लगेगा और क्वेश्चन बैंक अभी तो क्यों कर रही है अरे तेरा तो अटेम्प्ट ही नवंबर में इतनी मेहनत अभी से तो आप ओवर लुक नहीं करोगे चीज़ों को साथ ही साथ में क्या होगा आप जनरलाइज नहीं करोगे कि हाँ यार वो बोल ही रही है पढ़ने की बात है तो वो हमेशा ही पढ़ती रहती है तो शायद ऐसे ही होगा पढ़ने की इच्छा हो गई होगी इसलिए आपके एजम्शन गलत नहीं होंगे यानी आप ज़्यादा अच्छे से बढ़िया ऑडिट कर पाएंगे क्रिटिकल असेसमेंट का मतलब क्या होता है क्रिटिकल मतलब अपन चीजों को जैसे दे रहा है अपने को दिया जा रहा है वैसे नहीं मानते अपन उसको क्रॉस चेक करते हैं क्रिटिकली असेस करते हैं जैसे रिव्यू करने के उद्देश्य से मैं मूवी देख रहा हूँ क्रिटिकल असेसमेंट तो क्रिटिकल असेसमेंट में वॉट वील है हम हो सकता है चीजों को रिकॉर्ड्स को एक्सेप्ट कर ले पर जब तक उसकी रिलायबिलिटी चेक नहीं करेंगे हम उस पर डाउट करते रहेंगे और अगर कोई डाउट आ गया हमारे सामने तो फर्दर इन्वेस्टिगेट भी करेंगे अगर मैनेजमेंट ऑनेस्ट है तो भी इन्वेस्टिगेट करेंगे आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि आप एक सीए ए फॉर्म ज्वाइन करते हैं और आपको सी ए ने लचे फॉर एग्जाम्पल एक आउटस्टेशन ऑडिट पे एक हफ्ते के लिए भेजा आप वापस आए जो भी खर्चे हैं उसके बिल आपने दिया वो बिल आपको हो सी ए को जैसे ही दोगे आप बताओ सी क्या करेगा वो बोलेगा अच्छा इतने के बिल है इतना खर्चा हुआ होगा ये पैसे ले ले सवाल ही नहीं होता वो उसे क्रिटिकली असेस करेगा क्योंकि अंदर से ऑडिटर है वो हमारे भी बिल का असेसमेंट कर देगा तो क्या चेक करेगा सबसे पहले बोलेगा अरे इस बिल के तो क्या है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ही नहीं है यानी सफिशियंट एविडेंस ही नहीं लगे हमने बोला सर रिक्शा में हमने ट्रैवल किया उसके खर्चे हैं ये इसके हम सफिशियट एविडेंस कैसे लगाएंगे तो क्या बोलेगा अच्छा ट्रैवल कितना किया था तो इसके लिए कहा बता इतने समय का ट्रैवल था या रोज के तेरे ट्रैवल के ज़्यादा से ज़्यादा रिक्शे में कितने खर्चे होंगे तो इससे ज़्यादा तो नहीं होने चाहिए तूने ज़्यादा लगा रखे तो इसका मतलब क्या है वो प्रोफेशनल स्केप्टिज़म लगा रहा है एकदम अलर्ट है चीज़ों के लिए सपोर्टिंग एविडेंसेज मांग रहा है जितने बिल लगे हैं वो नॉर्मली मान लेगा कि बिल सही है लेकिन फिर भी क्या करेगा उसकी रिलायबिलिटी असेस करेगा तो कोई भी फोटोकॉपी बिल की लगी है तो बोलेगा यार ये फोटोकॉपी क्यों है इसका ओरिजिनल बिल कहाँ गया होटल में रुका था तो उसका ओरिजिनल बिल कहाँ है फोटोकॉपी क्यों है ऐसा तो नहीं कोई ओवर है बिल पे अगर है और फोटोकॉपी लगी है तो मामला और गड़बड़ हो सकता है तो रिलायबिलिटी असेस करेगा और अगर उसे कोई भी डाउट या इनकसिस्टेंसी दिखेगी कि यार ये समझ नहीं आ रहा है तूने तीन तारीख के दो होटल के बिल लगाए इस होटल में भी उस होटल में भी ये कैसे हो गया तो ये क्या होगा उससे डाउट आएगा तो हम क्रॉस चेक करेंगे हो सकता है बोले सर वहां पे जगह खत्म हो गई थी तो चेकआउट करना पड़ा यहाँ चेक इन करा इस कारण से पर आप देख लो दोनों ने आधे आधे पैसे लिए पहले दिन के तो वो जस्टिफाइड है तो ये कहलाता है बेसिकली क्या है प्रोफेशनल स्कैटिजम लगा के चेकिंग करना क्रिटिकल असेसमेंट करना यह पीए से इसका शॉर्ट नोट आए तो ये सब लिखना पड़ेगा चलिए नेक्स्ट कोई भी अच्छा ऑडिट करने के लिए एथिक्स फॉलो करना बड़ा इंपॉर्टेंट है एक सीए के एथिक्स क्या होते हैं इंटीग्रिटी ऑनेस्टी के साथ काम करना ऑब्जेक्टिविटी बिना कोई बायस के साथ काम करना ऐसा नहीं है कि आप मैनेजमेंट के लिए बायस हो जाओ हम तो इतने साल से हमको ऑलरेडी अपॉइंट कर रखा है तो चलो हम इसकी गलतियां छोड़ देते हैं तो इंटीग्रिटी होना चाहिए ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और ड्यू केयर साथ ही साथ में प्रोफेशनल बिहेवियर ऐसे याद रखना पी बी सी डी प्रोफेशनल बिहेवियर यानी आपको काम प्रोफेशनली करना है पर्सनली नहीं प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर आप अपने नॉलेज को अपडेट करते रहे अमेंडमेंट्स इन जीएसटी इंडेस ये सब पता होना चाहिए तभी आप ढंग से ऑडिट कर पाएंगे और कॉन्फिडेंशियलिटी क्लाइंट की कोई भी इन्फॉर्मेशन पर्सनल यूज के लिए यूज नहीं करना थर्ड पार्टी को बताना नहीं जब तक क्लाइंट या लॉ की रिक्वायरमेंट ना प्लस इन सब के अलावा इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस शुड बी अ स्टेट ऑफ माइंड एंड इट शुड बी बोथ इन माइंड एंड इन अपियरेंस किसी भी केस में आप अपने भाई की कंपनी का ऑडिट नहीं करोगे भले ही आप बोलो कि मेरे भाई की और मेरी एकदम मुकेश और अनिल भाई जैसी है पटती नहीं आपस में फिर भी आप दोनों हो एक दूसरे का ऑडिट नहीं कर सकते हो या आप सी हो वो हो इंडस्ट्रियल तो आप उसका ऑडिट नहीं करोगे क्यों क्योंकि लोगों को यही अपियर होगा कि यार ये तो क्या है दोनों मिले हुए तो लोगों की नजरों में भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए इन अपियोरेंस और दिमाग से भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए जैसे हमारी फैंसी है टेक्निकली एज पर लॉ वो रिलेटिव नहीं है फिर भी आप उसको ऑडिट करोगे तो आपकी कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग होगी क्योंकि जब पक्की होती है और फेरे नहीं होते तब तो सबसे ज्यादा रहता है तो बेहतर है कि आपका माइंड इंडिपेंडेंट आप नहीं है तो इंडिपेंडेंस तो में आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है दोस्तों आप इंडिपेंडेंट रहोगे तो ये आप इंटीग्रिटी के साथ काम कर पाओगे आप सोचो कि आपके रिलेटिव को कई बार होता है ना अपना डॉक्टर के पास दिखाने का रिलेटिव अब उसने ढंग से चेक नहीं किया तो भी ज्यादा कुछ नहीं बोल पाते पर अगर, अगर अपन प्रोफेशनली वर्क करेंगे और कोई डॉक्टर के पास जाएंगे और अगर, अगर उसने प्रॉपर चेक नहीं किया या हमारी कोई एक्सपेक्टेशन हम सीधे सीधे बोलेंगे भैया क्या हो रहा है इसको थोड़ा सा ठीक तरह से आप वेरीफाई करके दीजिए तो आपको इंडिपेंडेंस के साथ काम करना इसलिए जरूरी है ताकि आप अपनी प्रोफेशनल वर्किंग कर सकें कितना भी कर लो दोस्तों एक ऑडिटर क्या हमेशा सारी गलतियां निकाल पाएगा ऐसा संभव नहीं है इ ऑफ हाउ मच यू चेक देर विल ऑलवेज बी सम इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट बिकॉज ऑफ विच ऑडिटर के नॉट गिव एब्सोल्यूट एश्योरेंस बट ओनली रीजनेबल एश्योरेंस हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते क्यों क्योंकि हमारी कुछ लिमिटेशन है क्या लिमिटेशन है सबसे पहली बात आप जो चीजों को चेक कर रहे हो वो चीजों को ही हंड्रेड परसेंट एक्यूरेट नहीं कह सकते दो ढक्कन हाइड्रोजन एक ढक्कन ऑक्सीजन मिलाओगे तो पानी बनेगा एच टू लेकिन अकाउंट्स में ऐसा नहीं है दोस्तों अकाउंट्स में साइंस है कि डेबिट है तो क्रेडिट भी होगा बट uh, इसके बियॉन्ड एक्यूरेसी uh, हर जगह ऐसा जरूर नहीं है जैसे कि आपको लग रहा है लीगल केस में हमें एक लाख का नुकसान हो सकता है तो जरूरी नहीं है एक लाख ही हो सकता है जीरो नुकसान हो सकता है पांच लाख हो जाए अब आप कैसे बोल सकते हो जब कोई चीज ही अपने आप में एक्यूरेट नहीं है तो आप बोल दो ये एक्यूरेट है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अलग अलग जगह जजमेंट्स और एस्टिमेट इन्वॉल्व होते हैं और उन कारणों से हम ये कभी भी नहीं कह पाएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हंड्रेड एक्यूरेट है तो पहला लिमिटेशन का कारण है फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की लिमिटेशन दूसरा कारण है हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स का नेचर हमारे पास इन्वेस्टिगेटिव टूल्स नहीं है हम क्लाइंट को लाइट डिटेक्टर टेस्ट पे नहीं बिठा सकते बंदूक की नोक पे उससे बुलवा नहीं सकते गीता पे हाथ रख के कसम नहीं खिलवा सकते ऐसे तरीके इन्वेस्टिगेटर को अवेलेबल होते हैं हम पुलिसमैन नहीं है फैमिली डॉक्टर जैसे हमारा काम इन्वेस्टिगेट करना नहीं है हमारा काम बेसिकली चीज़ों को जो मैनेजमेंट दे रहा है उसे चेक करना है ये सोच के नहीं कि वो झूठा फरी बदमाश है ये सोच के कि हमारी जिम्मेदारी है बस चेक करने की इसलिए करते हैं तो क्योंकि मेरे पास इन्वेस्टिगेटिव टूल्स ही नहीं है मेरा उद्देश्य फ्रॉड डिटेक्ट करना ही नहीं है तो हो सकता है कि मैं जो चेक करूं उसमें मैं हाई डिग्री की चेकिंग करूं पर आपसे डिग्री की चेकिंग ना कर पाऊं तो हो सकता है मैनेजमेंट इंटेंशनली कोई चीज़ छुपाए जो हम डिटेक्ट ना कर पाएं फ्रॉड कई बार बहुत ही छुपाए जाते हैं सोफिस्टिकेटेड तरीके से किए जाते हैं ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं ताकि वो छुपाए जा सके तो ऑडिटर हो सकता है डिटेक्ट नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टिगेटिव टूल्स और वैसे लीगल पावर नहीं नेक्स्ट कहीं ना कहीं हम ये तो नहीं कहते कि अगर ऑडिट फीस कम है तो प्रोसीजर्स कम लगाएंगे पर कॉस्ट बेनिफिट मैनेज करना होता है तो बैलेंस बिटवीन कॉस्ट एंड बेनिफिट के कारण भी ऐसा होगा आपको असेंशियली क्या करना होगा कि कहीं ना कहीं ऑडिट प्रोसीजर्स में लिमिटेशन जैसे टेस्ट चेक आप हर चीज़ हंड्रेड परसेंट चेक नहीं कर सकते तो मैं नहीं करूंगा कि अगर फीस कम है तो ऑडिट कम करूंगा पर यह भी नहीं करूंगा कि भैया सारा का सारा पूरा का पूरा, पूरा चेक करके ऑडिट कर डालो क्यों क्योंकि आई हैव टू कंप्लीट ऑडिट विद अ लिमिटेड टाइम एंड कॉस्ट ये एक प्रैक्टिकल इशू है प्लस कुछ ऐसी चीजें दोस्तों जिसमें आप हंड्रेड परसेंट चेकिंग भी कर लोगे तो भी आप श्योरली नहीं बोल पाओगे चीज़ें सही है या नहीं जैसे फ्रॉड्स जिसपे ऐसे टू फोर्टी दिया गया आप पूरा भी चेक कर लो फिर भी आप हो सकता है फ्रॉड्स ना डिटेक्ट कर पाओ रिलेटेड पार्टीज आपके ग्रुप में कितना भी सतर्क आप रह जा हो सकता है दो चारों के बीच में कुछ चल रहा है और आपको खबर भी ना लगे हो सकता है रिलेटेड पार्टी डिटेक्ट होने से रह जाए नॉन कम्पलायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन अपन कितनी भी चेकिंग कर ले अपन खुद लीगल एक्सपर्ट नहीं हो कई बार तो सुप्रीम कोर्ट तक मुद्दा जाता है तब जाके मालूम पड़ता है नॉन कम्पलायस हुआ या नहीं तो वहां तक जाके फिर डिसाइड हो रहा है तो अपन किस खेत की मूली है दोस्तों तो जो अपन बोल देंगे कि हाँ ये तो सही हुआ है ये, ये गलत हुआ है तो ये कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें आप कभी भी हंड्रेड परसेंट एश्योरेंस से कह नहीं सकते चीजें सही है सिमिलरली एंटिटी गोइंग कंसर्न रहेगी या नहीं दैट्स ऑलवेज अ क्वेश्चन यू कैन नेवर कमेंट विद कॉन्फिडेंस की एंटिटी गोइंग कंसर्न रहेगी रहेगी क्योंकि ये बहुत ही रिस्की चीज़ें हैं इसके लिए आई ने क्या किया इन है इन सब चीजों के ऊपर अलग से स्टैंडर्ड दिए है इन स्टैंडर्ड का फाइव फिफ्टी लिखा है उद्देश्य ये है कि इन चीज़ों में रिस्क बहुत ज्यादा है और चांसेस कि ऑडिटर से कोई गलती मिस हो जाए ज्यादा है तो हम आपको अलग से गाइडेंस देंगे स्टैंडर्ड देंगे जो समझाएगा आपको कैसे चेक करना दिस इज ऑल वॉट इज देयर इन योर एस ए इसके अलावा ये जो चीजें दी गई है ये ऐसे टू से ज्यादा ऐसे थ्री से रिलेटेड है इसको अभी पढ़ लेंगे तो आगे ये टर्म्स यूज आती है तो आप काम में ले सकते हैं अदरवाइज ये पूरा डिस्कशन थ्री हंड्रेड सीरीज का है और तीन सौ पंद्रह में ये सब डिस्कस किया जाता है एक ऑडिटर का उद्देश्य क्या है उसका रिस्क क्या है उसको डर क्या है एक ऑडिटर का डर सिर्फ एक ही है दोस्तों कि कहीं उससे गलत ओपिनियन ना चले जाए गलत मतलब क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल दे सही है जबकि वो सही नहीं है हाँ बिल्कुल आईसीआई को डर क्या लगता है कि भैया जो बनने वाला नहीं था सीए नहीं चाहिए था उसको सीए बना दिया क्या ये भी डर है कि जिसको बनाना चाहिए था उसको नहीं बनाया आईसीआई उस डर से डरता नहीं है वो बोलता है गलत नहीं बन जाए ये दिक्कत है सही को रोक दिया तो कोई बात नहीं अगली बार बन जाएगा कम वक्त ऑडिट में भी ऐसा ही है ये रिस्क नहीं है कि हमने किसी चीज को बोल दिया ये गलत है जबकि वो गलत नहीं है क्योंकि ऑडिट में ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि ऑडिट होता कैसे कि समझो मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट देता है मैं चेक करता हूं गलती निकलती है तो मैनेजमेंट को बताता हूँ मैनेजमेंट अगर गलती नहीं होगी तो प्रूव कर देगा कि नहीं आप जो सोच रहे हो गलत है ये देखो ये डॉक्यूमेंट एविडेंस ये सब सही है तो अपने को आपको मालूम पड़ जाएगा सही है पर हो सकता है आपने कोई चीज चेक करी है सैंपल बेसिस पे चेक की आपने बोला सब कुछ सही है पर एक्चुअल में उसमें कोई फ्रॉड छुपा हो सकता है मैनेजमेंट आके ना बोले आपको कि फ्रॉड छुपा है और चेक करो और चेक करो मिलेगा मिलेगा कुछ तो मिलेगा यानी रिस्क आपको ये नहीं है कि आप बोल दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है जबकि वो सही है मैनेजमेंट प्रूव कर देगा अगर सही हुए तो लेकिन रिस्क ये जरूर है कि आप बोल दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है जबकि एक्चुअल में वो गलत है तो ऑडिट रिस्क इज द रिस्क ऑफ एक्सप्रेसिंग इन ए प्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन

अब आप बताइए ऑडिट रिस्क अगर ज्यादा है या सॉरी ऑडिट रिस्क क्या मतलब कि गलत ओपिनियन ना देते हमें क्या करना है ऑडिट रिस्क शुड ऑलवेज भी लो इसे हमें ऑलवेज जीरो करना है क्या तो जीरो ही नहीं सकता है क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशन है तो इट शुड ऑलवेज भी लो सो दैट वी कैन गिव हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस अगर रिस्क लो होगा तो अपना एश्योरेंस का लेवल हाई होगा जिसे हम रीजनेबल एश्योरेंस बोलते हैं अब तो आप बताइए रिस्क कम करने के लिए क्या करोगे सीधी सी, सी बात है एक स्टूडेंट का रिस्क क्या होता है सर उसका रिस्क है कि वो कभी एग्जाम में फेल ना हो जाए इस रिस्क को कम करने के लिए स्टूडेंट क्या करेगा सर वो करेगा ऐसा कि वो पढ़ाई ज़्यादा करेगा बिल्कुल गलत ज़्यादा पढ़ाई कर लेने से आप सोचो कि मैं सब चीज़ें कवर कर लूँगा अपने कंट्रोल में ले आऊँगा तो ये गलत सोच है क्यों क्योंकि आप मेहनत ज़्यादा कर रहे हो पर गलत दिशा में कर रहे हो इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू उसी लॉजिक से ऑडिट में अगर आपको रिस्क कम करना है कि आपसे गलतियाँ डिटेक्ट होने से रह जाए ये रिस्क कम करना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ज्यादा प्रोसीजर ज्यादा चेकिंग लगा दो इसका मतलब यह है कि पहले आप रिस्क असेस करो और पता करो कहां पे रिस्क ज्यादा है मेटिलिटी ज्यादा है वहां ज्यादा प्रोसीजर लगाओ हर जगह तो अगर आप इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड पे ज्यादा ध्यान और अनइंपॉर्टेंट पे कम ध्यान दोगे तो भी आपका आ, फेल होने का रिस्क काफी कम हो जाएगा पर आप सारे स्टैंडर्ड सोचोगे मैं बहुत डिटेल में पढ़ूंगा तो ये इम्प्रैक्टिकेबल है भले ही थियोराटिकली पॉसिबल इस कारण से हमें ऑडिट में भी क्या करना है पहले रिस्क असेस करना है जिसे हम बोलते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जो इसे थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टीन में लगते हैं और जहां रिस्क और मेटीरिटी ज्यादा होती है वहां पे प्रोसीजर्स ज्यादा लगाते हैं तो दैट मीन्स वी विल अकॉर्डिंगली अप्लाई आर ऑडिट प्रोसीजर्स तो इसके लिए हम कहते क्या है कि सबसे पहले विल डू रिस्क असेसमेंट दैट मीन्स असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट कुछ तो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लेवल ऑफ रिस्क ज़्यादा होएगा जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप ये कह सकते हो कि आप सारा इंडिया का ऑडिट कर रहे हो या एल एंड एफ में अभी फ्रॉड्स हुए थे ऐसी कोई एंटिटी जहाँ फ्रॉड हो चुके हैं कभी सत्यम में हुए थे उस समय उसको ऑडिट करने की बात हुई वहाँ फ्रॉड ओवरऑल लेवल पर ज़्यादा होने के चांसेस है तो वह रिस्क में ज्यादा होगा पर कुछ एंटिटीज़ ऐसी होती है जिसमें हर जगह गड़बड़ ज्यादा ऐसा नहीं है कोई पर्टिकुलर एरिया में ही गड़बड़ ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप ये कह लीजिए कि इफ़ यू आर टेकिंग अबाउट ऑडिट ऑफ अ कंपनी विच इज़ इन टू होल अच्छे फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट कंपनी है मैनुफैक्चरिंग तो इसे एक पावर कंपनी है जो पावर मैनुफेक्चर करती है एन टी पी सी और पावर सप्लाई करती है आप बताओ आपको वहाँ पर सब जगह रिस्क ज्यादा नहीं लगेगा रिस्क ज़्यादा कहाँ लगेगा कोयले की परचेज में हो सकता है रिस्क ज्यादा लगे हो सकता है कहीं पर सेल्स में बिलिंग नहीं हो रही हो या बिलिंग फर्जी हो रही हो गलत हो रही हो तो कुछ कुछ एरिया में रिस्क ज्यादा रहेगा तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर अकाउंट पे बैलेंस पे ट्रांजेक्शन यानी आपको सेल्स और इन्वेंट्री में रिस्क ज्यादा लग रहा है तो उसे बोलते हैं रिस्क इज हाई एट असर्शन लेवल यानी इंडिविजुअल क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस एंड डिस्कलोजल लेवल ये फ्रेज कई बार यूज होता है बट इफ़ यू फील पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क ज्यादा है तो उसे बोलते हैं ओवरऑल लेवल पे असरशील लेवल पे रिस्क अगर ज्यादा है तो वो किसी क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन जैसे सेल परचेस या अकाउंट बैलेंस जैसे इन्वेंट्री पीपी कैश इन बैंक या कोई डिस्क्लोजर से रिलेटेड होगा इसके रिस्क को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अपने आप में हमेशा ज़्यादा रिस्की होंगी जैसे कैशियल चेक करना आपके लिए हमेशा ज़्यादा सतर्कता वाला काम होगा इन कंपेरिजन टू सेल जिसका पैसा चेक से या बैंक ट्रांसफर से आए रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन में रिस्क हमेशा ज़्यादा होगा ईयर एंड के ट्रांजैक्शन में रिस्क हमेशा ज़्यादा होगा अगर आपने किसी को लोन दिया है तो उसमें हमेशा रिस्क ज्यादा होगा कंपेयर टू तो आपने कहीं पर पैसा डिपॉजिट किया है तो कुछ चीज़ों में हमेशा रिस्क दूसरों से ज्यादा होता है इसे कहते हैं इनहेरेंट रिस्क है के पर कई बार कंपनियां क्या करती है जैसे कि कोई किसीनों में आप जाओगे गोवा में पूरी कैश में डीलिंग होती है लोग पैसा कैश में लगाते हैं कैश में जीतते हैं कैश में ले जाते हैं पर वहां पर इंटरनल कंट्रोल वो इतने बढ़िया लगाते हैं हर टेबल पे कैमरा होता है सारे एम्प्लॉइज की जेब हटा दी जाती है उनके कोई भी कपड़ों में कोई प्रकार की जेब नहीं होती है जो भी पैसे का लेन होता है उसके ऊपर सारे कैमरे लगे रहते हैं स्ट्रिक्ट सुपरविजन होता है डेली बेसिस पे आपकी कैश बुकरी कंसाइल की जाती है अगर कोई एम्प्लॉय ने फ्रॉड किया है तो उसको सीधे जेल में डाल दिया जाता है इस तरह के कंट्रोल्स हम लगा रहे हैं तो चांसेस हैं कि भले ही हमारा पूरा कैश में डीलिंग है पर कंट्रोल अच्छे हो जाने से भी हमारा रिस्क कम हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिन चीजों में इनहेरेंट रिस्क ज्यादा है हमेशा उसमें रिस्क मिसस्टेटमेंट का ज्यादा होगा ये डिपेंड करेगा कंट्रोल रिस्क पर कंट्रोल रिस्क इज मैनेजमेंट के कंट्रोल से कोई मिस्टेटमेंट डिटेक्ट होने से प्रिवेंट होने से करेक्ट होने से चूक जाए ये चांसेस कितने हैं तो व्हाट इज कंट्रोल रिस्क एंड व्हाट इज इनहेरेंट रिस्क सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ एन असर्शन व्हाट इज असर्शन विल एक्सप्लेन दैट इज अ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर टू बी मिसेटमेंट बिफोर कंसीडरिंग एनी रिलेटेड कंट्रोल आपकी वाली मॉडलिंग कर रही है इनहेरेंट रिस्क ज्यादा है आपकी वाली सीए कर रही है इनहेरेंट रिस्क कम है क्यों क्योंकि हमें मालूम है सीएम नॉर्मली ऐसा बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होता है पड़ाकुल लड़कियां होती है मॉडलिंग वालों में एक्सपोजर बहुत सारा होता है मौके बहुत सारे मिलते हैं रिस्क ज्यादा है रिस्क रिस्क लेकिन हो सकता है क्या आपकी वाली भले ही मॉडलिंग कर रही है पर बड़ी संस्कारी घर से उसके घर के बहुत ही बढ़िया कंट्रोल है उसके भाई एकदम दुनिया के भाई एक भाई पुलिस में है एक भाई डॉन है इस तरह के उसके कंट्रोल्स हैं तो चांसेस वहां पे फिर रिस्क कम हो जाएंगे क्योंकि कंट्रोल्स अच्छा है तो व्हाट इज़ कंट्रोल रिस्क कंट्रोल रिस्क इज बेसिकली

इसलिए कभी भी रिस्क ऑफ स्टेटमेंट जीरो नहीं होगा थोड़ा तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि कुछ इनहेरेंट रिस्क होगा और कंट्रोल रिस्क हो सकता है आप कम कर लें पर फिर भी रहेगा तो सही ये दोनों को कंबाइन करके आपको समझ में आएगा तो कंपनी के कैश डीलिंग है पर कंट्रोल बहुत अच्छे हैं तो रिस्क ऑफ मेटीरियल स्टेटमेंट कम रहेगा पर कैश डीलिंग और कंट्रोल भी खराब है तो रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट हाई होगा कंपनी की पूरी डीलिंग चेक से बैंक से ही होती है और कंट्रोल भी एकदम अमेजोन टाइप के हैं एक नंबर तो रिस्क ऑफ स्टेटमेंट बहुत कम होगा ऐसी बोलता है कि आप एक काम करो आप रिस्क ऑफ स्टेटमेंट को असेस कर लो क्या करो रिस्क ऑफ स्टेटमेंट को असेस करो कि आपकी एंटिटी में रिस्क कितना है ओवरऑल लेवल पे और असर्शन किसी इंडिविजुअल अकाउंट बैलेंस ट्रांजेक्शन लेवल पे और उसे असेस करके फिर डिसाइड करो चेकिंग कितनी करनी है आप कितनी चेकिंग करोगे कि ये मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट है दिस विल डिफाइन योर डिटेक्शन रिस्क तो ऑडिटर के हाथ में एक ही रिस्क है डिटेक्शन रिस्क अगर आपको लगता है किसी चीज़ पर रिस्क बहुत कम है तो आप कम चेकिंग करके भी उसका काम कर सकते हो यानी आप डिटेक्शन रिस्क हाई छोड़ दोगे तो भी चलेगा पर रिस्क बहुत ज्यादा है तो चेकिंग बहुत बढ़ाना पड़ेगी आपको चांसेस की एक भी गलती हो तो पकड़ में आ जाए ऐसे सोच के ऑडिट करना होगा तो डिटेक्शन रिस्क एकदम कम रखना होगा तो अगर आपको लगता है कि यार ऑडिट का कोई चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है तो आप उसमें बहुत ज्यादा पढ़ाई करिए पर आपको लगता है कि कोई चैप्टर बहुत आसान है क्वेश्चन आया तो मन से भी लिख देंगे और आता भी बहुत कम है तो उस पर आप कम चेकिंग करोगे या कम पढ़ाई करोगे तो भी चलेगा यानी उसमें चांसेस एग्जाम में क्वेश्चन आए और आपसे ना ज्यादा भी छोड़ दिए तो भी चल जाएगा क्यों क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस उतना नहीं है और वो इतना डिफिकल्ट नहीं है कि आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे अगर आया तो इसलिए चांसेस की आपका क्लियर ना हो पेपर ये रिस्क कम हो जाएगा तो वो ऑडिटर्स के तो फेल होना ऑडिट रिस्क है इसके लिए आप असेस करते हो कि कौन सी चीज कितनी इंपॉर्टेंट है उस पर आपका कंट्रोल कितना अच्छा है और फिर उसके बेसिस पर आप डिसाइड करते हो उस पर आपको कितनी पढ़ाई करनी है तो डिटेक्शन रिस्क इज एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ डिटेक्शन रिस्क ऑडिटर टू डिसाइड इज जस्ट इनवर्स ऑफ रिस्क ऑफ मटीरियल तो रोम आपका जितना ज्यादा है आपको चेकिंग उतनी बढ़ाना है तो डिटेक्शन रिस्क उतना कम करना है ताकि आपको ऑडिट रिस्क कम हो सके ठीक है जितने अच्छे से ऑडिट प्रोसीजर आप अप्लाई करोगे उतना डिटेक्शन रिस्क आपका कम होगा ऑडिट प्रोसीजर अच्छे से अप्लाई करना यानी प्रॉपरली प्लान करना सही लोगों को लगाना प्रोफेशनल स्केप्टिज्म लगाना सुपरविजन रिव्यू करना ये सब अपन ऐसे टू में डिस्कस करेंगे यहां पे एक शब्द आया था असर्शन असर्शन का मतलब क्या होता है असरशन बेसिकली मीन्स जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कंटेंट है उस कंटेंट से जो जो चीजें निकल के आती उस है उसे असर्शन कहते हैं तो जैसे आपने देखा कि इन्वेंट्री लिखी है तो इससे आपको समझ में आया कि ये वो गुड्स हैं जो कंपनी के ओनरशिप में है ईयर एंड तक बिके नहीं है इसमें कंपनी ऑर्डिनरली डील करती है ये मार्केट प्राइस नेट रियलाइजेबल वैल्यू से कंपनी आ रहे होंगे क्योंकि इट इज वैल्यूड कॉस्ट और एनआरवी ये सब कंपनी के पोजिशन में है अनलेस लिखा हुआ इन्वेंट्री विथ कस्टमर और इन ट्रांसिट तो एक इन्वेंट्री से आप इतने इंटरप्रिटेशन निकाल पा रहे हो इन सारे इंटरप्रिटेशन को कहते हैं असर्शन तो ऐसा कहते हैं कि अगर आप कोई ट्रांजैक्शन यानी परचेज सेल सैलरी इस तरह के ट्रांजैक्शन की बात करोगे तो उससे पांच तरह के असरशंस निकलते हैं पहला ऑकरेंस हुआ या नहीं दूसरा अमाउंट कितना सही है तीसरा कट ऑफ करंट ईयर का है या अगले साल का है चौथा क्लासिफिकेशन है कैपिटल या रेवेन्यू पांचवा कंप्लीटनेस कि उसके बारे में जो जो जानकारी देना है करंट नॉन करंट नॉन मूविंग इन्वेंट्री है गिरवी रखी हुई है तो वो सब डिस्क्लोज करना है तो ये कंप्लीटनेस तो ऐसा कहते हैं कि ऑडिटर जब भी कोई ट्रांजैक्शन चेक करता है तो उसमें पांच असर्शन सही आ रहे हैं या नहीं चेक करेगा क्या क्या असर्शन सबसे पहले वो ट्रांजेक्शन हुआ भी है या नहीं दूसरा क्या वो इस साल का है या अगले साल का है कट ऑफ तीसरा अमाउंट उसका सही है एक्यूरेट है या नहीं है जितने पर रिकॉर्ड किया गया चौथा क्लासिफिकेशन कैपिटल रेवेन्यू सही है या नहीं है और फाइनली कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो यूजर के लिए आना चाहिए आ रही है ऐसे ही अगर आप कोई अकाउंट बैलेंस जैसे पीपी -पी या कैश इन हैंड चेक करोगे तो आप क्या चेक करोगे तो इसमें ऑडिटर चार असर्शन चेक करता है सबसे पहले एग्जिस्ट करता है या नहीं वो या लाइबिलिटी हमारे ऊपर क्या वो हमारे अधिकार में राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऐसा तो नहीं है इन्वेंट्री सोल्ड बट नॉट डिड और अभी भी बुक्स में आ रही है तो इन्वेंट्री मौजूद है और हमारी ओनरशिप में एग्जिस्टेंस फिर उसका अमाउंट वैल्यूएशन सही है या नहीं है और फाइनली कंप्लीटनेस डिस्लोजर वगैरह प्रॉपर है या नहीं इसके अलावा जितने भी नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंटेशन डिस्कलोजर आए उनमें भी ऑडिटर क्या क्या चेक करेगा तो सबसे पहले अगर कोई भी नोट्स में इंफॉर्मेशन दिए तो हम क्या चेक करेंगे तो देखो अगर वो ट्रांजेक्शन रिलेटेड है तो अकरेंस अकाउंट बैलेंस रिलेटेड है तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन सेकेंड अपन एक्यूरेसी चेक करेंगे या वैल्यूएशन चेक करेंगे थर्ड अन देखेंगे उसका क्लासिफिकेशन सही है या नहीं है कैपिटल है तो असट बनेगा रेवेन्यू है तो एक्सपेंस बनेगा और फाइनली कंप्लीटनेस तो कम्पलीटनेस एक कॉमन पॉइंट है जो आपको सब में मिलेगा इसके अलावा आपको याद रखना है ऐसे याद रख सकते हो आप दिस इज सी कोका दिस इज केयर एंड दिस इज कोका प्रेजेंटेशन डिस्कलोजर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन और अकाउंट बैलेंस ये चीजें हम चेक करते हैं डेफिनेशन क्या है असर्चन्स रेफर्स टू रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट एक्सप्लिसिट स्पेसिफिकली गिवन और इम्प्लॉइड इम्बॉडिड इन द फाइनेशियल स्टेटमेंट यूज बाय दर टू कंसिडर पॉसिबल मिस स्टेटमेंट दैट में आउकर तो ये सब चीज़ें आप चेक करते हो जब भी आपको अकाउंट बैलेंस ट्रांजेक्शन या प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर चेक करते हैं इससे आपको पता पड़ेगा कहीं कुछ चीज मिस स्टेटेड तो नहीं है ध्यान रखना हम ऑडिट कर रहे हैं ना कि इन्वेस्टिगेशन दोनों में फर्क क्या है इन्वेस्टिगेशन में हम क्रिटिकल एग्जामिनेशन एक उद्देश्य से करते हैं जो कि होता है फ्रॉड डिटेक्ट करना जबकि ऑडिट में हम सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस देने के लिए करते हैं हम ऑडिट में मान के नहीं चलते प्री कंसेप्ट यानी पहले से मान के चलना कि फ्रॉड हो रहे हैं ऐसा मान के नहीं चलते लेकिन इन्वेस्टिगेटर मान के चलता है कि फ्रॉड हो रहे हैं नॉर्मली ऑडिट के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा पर ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है दिस इज योर ऐसे टू हंड्रेड विथ सम एलिमेंट ऑफ थ्री वन फाइव ऐसे टू वन जीरो फर्स्ट सी द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस स्टैंडर्ड एंड यू कैन फाइंड नॉट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड और ऐसा दिसंबर 21 तक के पहले के बच्चे तो ये मानते होंगे कि भैया इस पर कभी क्वेश्चन ही नहीं आता है छोड़ के चले जाओ तो इंस्टीट्यूट ने बोला अच्छा तुम्हें ऐसा लग रहा है चलो पूछ लेते हैं अब ये उधर आ गया है सर तो अब तो नहीं आएगा ये तय हो गया हाँ 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 सारे ज्योतिष फेल हो जाते दोस्तों सी के एग्जाम में आइए एज ए टू वन जीरो इन दर्म्स ऑफ ऑर्डिंग दोस्तों इसका बेसिक कहना है कि भैया ऑडिट शुरू करने से पहले बेहतर है कि आप टर्म्स अग्री कर लो ताकि बाद में झगड़े ना हो टर्म्स एग्री करने में क्या हम टर्म्स फिक्स तरह से अग्री नहीं कर सकते क्योंकि ऑडिट तो एक तरह से ही होता है तो ऐसे बोलता है काफ़ी चीज़ें तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि भैया ये ये होना चाहिए अग्रीमेंट में तो सबसे पहली चीज़ क्या है आप एक चीज़ समझ लो इस ऐसे का हर ऐसे का एक उद्देश्य होता है इस ऐसे का उद्देश्य है कि हम ऑडिट करने से पहले हमारी कुछ शर्तें प्री कंडीशन शादी तो करूंगी लेकिन मेरी कुछ शर्तें प्री कंडीशन वो कंडीशन मैनेजमेंट से अग्री कर ले और देख ले कि हमारे और उसके बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग और उस अंडरस्टैंडिंग को एक लेटर ऑफ एंगेजमेंट में ड्राफ्ट करके साइन ऑफ कर ले सबसे पहले क्या शर्तें हैं एक ऑडिटर की क्या शर्त होगी सर फीस देंगे और क्या अरे ऐसी छोटी बातें नहीं करना हमारी शर्त क्या है सबसे पहली बात हमारी शर्त यह है कि मैनेजमेंट ऑडिट प्रमाइज समझता है इसका मतलब मैनेजमेंट समझता है कि उसकी जिम्मेदारी है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर फ्रेमवर्क फ्री फ्रॉम मटीरियल स्टेटमेंट डी इंटरनल कंट्रोल प्लस सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड देना अदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना और अनस्ट्रिक्टेड एक्सेस देना ये वो समझता है कि उसे हमें देना होगा ये उसको करना होगा ऑडिट अप्रमाइज उसकी जिम्मेदारी है ऐसा वो मानता है नंबर वन और नंबर टू साथ ही साथ में वो ये भी मानता है कि वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो चूज करेगा उसके अनुसार उसको ओपिनियन मिलेगा तो वो सही फ्रेमवर्क चूज करे कंप्लायंस या फेयर प्रेजेंटेशन भारत में जैसे कंपनीज एक्ट में स्पेसिफिकली बोला गया है सेक्शन 128 में बुक्स ऑफ अकाउंट शुड शो ट्रू एंड फेयर व्यू 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी तो कमनीज एक्ट में कंपलसरी है कि आप फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क ही यूज़ करो तो मैनेजमेंट की चॉइस है कि वो कंप्लायंस या फेयर क्या यूज़ करना चाह रहा है तो वो जो भी यूज करे वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए तो दो प्री कंडीशन है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सही होना चाहिए जो भी मैनेजमेंट ने यूज़ किया ऐसा नहीं है कि कंपनी है और बोल रही भैया मैं तो कंप्लायंस फ्रेमवर्क ही यूज़ करूंगी हम बोलेंगे फिर हम ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें ट्रू एंड फेयर व्यू देना है उसके लिए फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क का होना अनिवार्य है ये अपन ने ऐसे टू हंड्रेड में डिस्कस किया था एंड मैनेजमेंट एनोलेज एंड अंडरस्टैंड फ्रेज याद रखना एग्जाम में है तो ऐसे ही लिखना एक नॉनॉलेज एंड अंडस्टैंड रिस्पॉसिबिलिटी ऑफ ऑडिट प्रमाइज और ये उसकी ऑडिट प्रमाइज़ के वही सारे पॉइंट्स हैं प्री कंडीशन मौजूद है इसके अलावा कई बार मैनेजमेंट आप पे हो सकता है कोई लिमिटेशन लगाए वो बोले कि चलो ठीक है मैं आपके ऑडिटर अपॉइंट करने को तैयार हूँ और प्री कंडीशन भी स्वीकार करता हूँ लेकिन फॉरेन ब्रांच आप विजिट नहीं करोगे वहाँ जाके ऑडिट नहीं कर पाओगे वहाँ के सिर्फ रिकॉर्ड जहाँ मंगा के आप ऑडिट कर पाओगे मैं बोलूँगा भैया कोई भी शर्त तो मुझ पर लगाएगा मैं ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करूँगा मुझे नहीं करना का तो मैनेजमेंट आप पे कोई भी लिमिटेशन इम्पोज करता है जैसे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मैनेजमेंट का कहना है कि कंपनी के इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छे हैं और पिछले साल ऑडिटर ने चेक भी किए थे इसलिए इस साल इंटरनल कंट्रोल चेक किए बिना ऑडिट कर दे या मैनेजमेंट बोलता है ऑडिट पंद्रह दिन के अंदर कैसे भी करके खत्म कर दे हम बोलेंगे बॉस ऐसी लिमिटेशन है तो हम ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल वो कोई लॉ के द्वारा इम्पोस्ट हो तो लॉ ने ही मना किया जैसे बैंकिंग में आरबीआई बोलता है अगर आप बैंक ऑडिट कर रहे हो और फॉरन ब्रांचेज है बैंक की तो वहां जाने की परमिशन नहीं होती सिर्फ रिकॉर्ड मंगा के ही चेक करना है तो लॉ ने परमिट किया तो बात अलग है नॉट अदरवाइज तो वी विल नॉट एक्सेप्ट लिमिटेड ऑडिट एंगेजमेंट अनलेस इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ नेक्स्ट ये सब हो गया तो आप एंगेजमेंट लेटर बना लीजिए एंगेजमेंट लेटर क्या होता है दोस्तों नॉर्मली ये लेटर ऑडिटर लिखता है मैनेजमेंट को सबसे पहले मैनेजमेंट ऑडिटर ऑडिटर क्या करेगा एक्सेप्टेंस लेटर जो देगा अपॉइंटमेंट लेटर पे जो उसका एक्सेप्टेंस लेटर जाएगा उसे एंगेजमेंट लेटर के फॉर्म में बनाएगा उसमें लिखेगा मैनेजमेंट वाइडीटर सो वी आर प्लीज टू अपॉइंटमेंट ऑफ पोजिशन ऑफ दी पोजिशन ऑफ ऑडिट सब्जेक्ट टू फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन ऑडिट तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो ऐसे 210 में दिए वो डालना है पांच कंडीशन है सबसे पहली बात आपको मैनेजमेंट को पहली कंडीशन क्या डालनी है आपको बताना है भैया ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं जो प्री कंडीशन में देख रहे हैं सेकंड मैनेजमेंट का ये रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्कोप है यानी ऑडिट प्रमाइस में जो अपन ने देखा था उसकी जिम्मेदारियां और ऑडिटर की यह स्कोप और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर को ये है करना है इसके अलावा क्या क्या रिपोर्ट मैनेजमेंट आपसे एक्सपेक्ट करता है ये सारी चीजें आपको देना पड़ेगी और इन सबके साथ साथ ऑडिट का क्या स्कोप और ऑब्जेक्टिव है तो आप इसको ऐसे याद रख लीजिए ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या फॉलो किया जाएगा एंड वॉट आर द रिपोर्ट्स ये पांच चीजें आपको एंगेजमेंट लेटर में देना ही देना है इसके अलावा आप कोई भी एडिशनल टर्म शामिल करना चाहें तो दे सकते हैं जैसे कि रेमुनरेशन है दे है दे दो वो सब चीज़ें आपके ऑप्शन में कंपलसरी नहीं है एज पर ऐसे ये पांच चीज़ें होना नहीं वाला है तो एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें लिखा जाए कि एंगेजमेंट लेटर में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क का डिसीजन ये सब दिया गया है और ये भी बताया गया है कि रिपोर्ट आपको कारों की और ऑडिट रिपोर्ट देनी है एज पर स्टैंडर्ड्स तो बताइए क्या ये एंगेजमेंट लेटर पर्याप्त है तो हम बोलेंगे भैया ये पर्याप्त है एक्सेप्ट इसमें स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट नहीं दिया सिर्फ ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया तो ये पाँच चीज़ तो होना चाहिए इसके अलावा जो डालना है डाल दो कई बार ऐसा होता है कि एंगेजमेंट टर्म्स आपको डिफाइन नहीं करना है क्योंकि लॉ ही इस डिटेल में डिफाइन कर देता है ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी जैसे कंपनीज है 143, 139 इन सब में स्पेसिफिकली डिफाइंड है कि भैया मैनेजमेंट को क्या करना है ऑडिटर को क्या करना है तो ऐसे केस में आप क्या इंगेजमेंट लेटर बनाओगे आंसर इज आप उस केस में कंफर्मेशन लेटर बनाओगे जिसमें सिर्फ लिखोगे और ऑडिट विल बी एस पर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सो एंड सो लॉ लेकिन वहां कंपलसरली एक लाइन लिखनी है मैनेजमेंट एक्सेप्ट एंड एक्नोलॉजी इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिट प्रेम यानी लॉ ने फिर भी सारी चीजें डिफाइन कर रखी है तो आप बोल सकते हो टर्म्स हमारी एसपल लॉ है पर एक लाइन लिखना पड़ेगी क्या लिखना पड़ेगा दैट मैनेजमेंट अग्रीज इट्स इटिबिलिटी एंड इट इट्स टेक्नोलॉजीबिलिटी ऑफ प्रमाइज ऑडिट प्रमाइज मतलब क्या यही जो इसकी जिम्मेदारी अपन ने ये यहाँ पे देखी थी टू बी पैरा टू बी पैरा टू बी मतलब लिखना एग्जाम में ये सिर्फ चार्ट का पैराग्राफ है ठीक है नेक्स्ट रेकरिंग ऑडिट्स लास्ट uh, ईयर भी मैं ऑडिटर था इस साल भी मुझे अपॉइंट किया गया या लेट्स से फॉर एग्जांपल पाँच एच का ऑडिट मैंने किया फिर मुझे वापस से पाँच एच के लिए अपॉइंट किया जा रहा है नहीं रीअपॉइंटमेंट है तो क्या नया एंगेजमेंट लेटर लेना है या सिंपल बोल सकते हैं पिछले वाले जैसे ये टर्म्स भी रहेंगे तो डिपेंड करेगा किस पर डिपेंड करेगा सीधी सी बात है अगर कोई पिछली बार मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी तो बेहतर है नया लेटर बना लो जिसमें सारी चीज़ें क्लैरिफाई कर दो या अगर कोई चेंजेस हो गए तो नया लेटर बना दो तो कब करते हैं जब या तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या चेंजेस हैं। चेंजेस किस में बहुत सारी चीजें आप इसको ऐसे याद रख लेना एल एम एन ओ पी क्यू आर एस पी क्यू से कुछ नहीं बनता है तो लॉ में चेंज हो गए मैनेजमेंट चेंज हो गया है पिछले जब ऑडिटर अपॉइंट हुआ था और अभी में नेचर ऑफ बिजनेस चेंज हो चुका है या साइज चेंज हो गया ओनर्स चेंज हो गए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क चेंज हो गया है पहले लिच्चे एस फॉलो करते थे अब इंडे से रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट कोई ऐड हो गई है कारो नया आ गया ऐसा कुछ या कोई स्पेशल टर्म्स ऐड हुई इस तरह के कोई चेंजेस है तो नया लेटर लो नहीं तो सिंपल लिख देना पुराने लेटर के अनुसार ही हमारा ये वाला कंटिन्यू होगा एंड देन कभी ऐसा हुआ कि ऑडिटर को ऑडिटर अपॉइंट कर दिया गया और उसके बाद उसकी टर्म्स को चेंज करने की बात हो रही है तो आपको ऑडिटर अपॉइंट कर दिया आपने ऑडिट शुरू कर दिया तीन महीने बाद अब आपके स्कोप को चेंज कर चेंज में दो तरह के स्कोप चेंज हो सकते हैं एक स्कोप बढ़ना और एक कम होना ऐसे बोलता है स्कोप बढ़ रहा है तो वो नई एंगेजमेंट जैसा है वापस से आप ऐसे लगा के देख लो भैया आपको लेना है या नहीं यहाँ पे हम सिर्फ कब डिस्कस किया क्या डिस्कस कर रहे हैं पे रिडक्शन ऑफ स्कोप है यानी पहले वो हमारे साथ जीने मरने की कस्में खा रही थी और अब वो बोल रही है लेट्स बी फ्रेंड्स ओनली वो कह रही है नाउ लेट्स बी फ्रेंड्स ओनली इसका क्या मतलब होता है वो कह रही है कि अब अपन सिर्फ दोस्त रहते ओ इससे हमारा स्कोप कम कर रहा है अब अब क्या करना है हमारे साथ वो वैलेंटाइन मनाया करती थी और अब कहती है इसे फ्रेंडशिप डे साथ में मनाएंगे आप बताइए क्या फ्रेंडशिप डे भी मनाना चाहिए या वो भी तोड़ देना चाहिए बताओ दोस्तों क्या करोगे आप तो सीधी सी बात है दोस्तों ऐसी सिचुएशन में हमारा डिसीजन किस पे डिपेंड करेगा कारण हम उससे जस्टिफिकेशन पूछेंगे क्या हुआ ऐसा कि अपनी सात जन्मों की कस्में खत्म करके कि दोस्तों प्यारी अगर उसके रीज़न जस्टिफाइड है उसने कहा भाई पंडित जी ने हमारे टेवे को देख के कहा है कि कुंडली में ऐसा कुछ दोष है कि जिससे शादी होगी वो क्यों हो जाए

हम चलो ठीक है जस्टिफाइड लगता है या पहले हमें कंपनी इनकम टैक्स दोनों करने को कहा कि हमने बोला जस्टिफाइड समझ में आता है किसी और कंपनी के साथ मर्जर हो गया और कोर्ट ने बोला है कि मर्ज एंटिटी जो है ए प्लस बी अब ए बन गई है बी ए में एब्जॉर्ब हो गई है और ये मर्जर में बी का ऑडिटर भी ए के ऑडिटर के साथ मिलकर नई एंटिटी का ऑडिट करें तो समझ में आता है लॉजिकल है तो जस्टिफाइबल है। अगर जस्टिफाइबल रीजन है दोस्तों तो आप चाहो तो एक्सेप्ट कर सकते हो नहीं चाहो तो विद्रॉ कर सकते हो ऐसे केस में नया एंगेजमेंट लेटर लेना और रिपोर्ट नए स्कोप से देना ये मत बोलना पहले मैं सोल ऑडिटर था जॉइंट ऑडिटर हूँ सिंपल ये लिखना कि अब हम दोनों ज्वाइंट ऑडिटर है पर अगर जस्टिफाइड रीजन नहीं है, हमने उससे पूछा क्या कारण है उसने बोला पर्सनल रीजन मैंने बोला क्या पर्सनल है हमारे बीच में सब कुछ तो शेयर्ड है तू बता उसने बोला नहीं बता सकती हमने बोला बस बताना पड़ेगा उसने बोला नहीं बता सकती या उसका रीजन जस्टिफाइड नहीं है उसने बोला आप बहुत हो गया है वो किक्स नहीं आते तुमसे मिलकर हमने बोला ऐसा है तो फिर बेहतर दोस्तों फिर आप ऑडिट ही छोड़ दो या आप रिड्यूस स्कोप एक्सेप्ट मत करो आप बोलो भैया देख हम तो पत्रिका भी छपवाएंगे फेरे भी तेरे साथ ही लेंगे और अगर वो आपको कंटिन्यू ना करने दे तो फिर आप विड्रॉ कर सकते हो तो इसका मतलब क्या है बिफोर कंप्लीशन अगर स्कोप कम किया गया है आपका तो आप उसकी अप्रोप्रिएटनेस चेक करो सरकमस्टांस मिसअंडरस्टैंडिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप अलग अलग कारणों से हो सकता है आप अच्छे से रीजन समझो और अगर जस्टिफाइड है तो फिर आप रिवाइज टर्म एक्सेप्ट कर सकते हो पर बाउंड नहीं हो करने के लिए इच्छा है तो इसमें आप पुराने वर्क का कोई रेफरेंस अपनी रिपोर्ट में मत देना नए से ही करना नया लेटर लेना लेकिन अगर जस्टिफाइड ही नहीं है तो रिवाइज को नहीं एक्सेप्ट करोगे और कंटिन्यू करो अगर ना कंटिन्यू करने दिए तो विड्रॉ कर लो जब भी कोई ऑडिटर विड्रॉ करता है किसी भी ऐसे में तो ध्यान रखना विड्रॉल में आपको किसको बताना है मैनेजमेंट गवर्निंग बॉडी के अलावा देखना आपकी कोई जिम्मेदारी किसी और को बताने की तो नहीं है जैसे कंपनीज एक्ट कहता है कि आपको आर को तीस दिन के अंदर अंदर बताना पड़ता है तो इफ़ यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिफॉर्म एनी रेगुलेटर यू शुड इनफॉर्म अपॉइंटिंग अथॉरिटी यू शुड इनफॉर्म जैसे कंपनीज एक्ट में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि रिजाइन करने में शेयर होल्डर को बताना है तो जरूरत नहीं है पर अगर गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर हो तो सी एन जी को बताना पड़ता है यानी अपॉइंटिंग अथॉरिटी को वहाँ बताना पड़ता है तो आप देख लीजिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी विद्रॉ करते समय किसी को बताने की है क्या है तो फिर आप उसे बता दीजिए ये आपका डिस्कशन कंप्लीट होता है कि इसका ऐसे टू वन जीरो वन चलिए दोस्तों अब आते हैं अपन ऐसे 220 जिसके साथ में एसक्यूसी क्यू वन दोनों देखेंगे क्यों ऐसे 220 का नाम है क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एसक्यूसी क्यू वन बेसिकली बात करता है क्वालिटी कंट्रोल ऑन ऑडिट रिव्यू अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज एंगेजमेंट्स क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ ऑडिट है तो इसलिए हम क्वालिटी कंट्रोल सिर्फ ऑडिट के एस्पेक्ट से पढ़ते हैं तो हम एसक्यूसी क्यू वन पढ़ेंगे पर हमारा उद्देश्य सिर्फ किसके एंगल से पढ़ना होगा ऑडिट के एंगल से दोनों में फ़र्क समझना है वन बोलता है कि जैसे मेरी सी एफ एम है आप और मैं अपन पार्टनर एक सी एफ के तो आप बताइए क्वालिटी किस पे इंश्योर करना है आपके असाइनमेंट पे, मेरे असाइनमेंट पे या सारी असाइनमेंट असाइनमेंट यानी इंगेजमेंट इंगेजमेंट मतलब जो काम अपने पास आया है उन सब पे सब पे क्वालिटी होना चाहिए तो हमें एक पॉलिसी ऐसी बनाना चाहिए कि सबके ऊपर वो पॉलिसी लागू और हर कोई वो क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉलो करे क्यू सी पी पी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर्स जैसे स्कूल में हर क्लास के हर सेक्शन पे कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो लागू होती थी इतनी बजे चालू होगी शुरू में प्रेयर होगी अटेंडेंस ली जाएगी क्लास टीचर होगा उसकी जिम्मेदारियाँ होंगी ये सब वेल डिफाइंड होता था फिर हर स्कूल के हर सेक्शन हर स्टैंडर्ड के अंतर्गत उन पॉलिसीज़ का इंप्लीमेंटेशन करने की जिम्मेदारी दे दी जाती थी किसको क्लास टीचर तो पहले आपने स्कूल की पूरी पॉलिसी बनाई और फिर क्लास टीचर को बोल दिया हर क्लास में इसे फॉलो करो ऐसे ही एक ऑडिट फॉर्म में अपन ने पूरी फॉर्म की पॉलिसी और प्रोसीजर बनाई ताकि अच्छी क्वालिटी आ सके ऑडिट में और फिर हर ऑडिट पार्टनर जिसे बोलते हैं एंगेजमेंट पार्टनर जो एक पर्टिकुलर ऑडिट का मुखिया है जो साइन करता है फाइनली उसकी रिपोर्ट पे उसे कहेंगे कि जो फॉर्म पूरी फॉर्म के लिए पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाए इंश्योर करोगे तुम्हारे ऑडिट में उसका पालन हो तो वन और 1 टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी अपन दोनों साथ साथ में डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है ऐसे टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी का आप बताइए कब मानेंगे कि ऑडिट में अच्छी क्वालिटी है कई रेस्टोरेंट में जाते हैं अच्छा क्वालिटी आप कब कहते हो क्वालिटी ऑफ फूड इज गुड जब उसका टेस्ट सही हो और एस गड़बड़ ना करे वैन यू गो ले फॉर एग्जाम्पल टू अ मूवी हॉल वैन डू यू से इट वॉज अ गुड क्वालिटी मल्टीप्लेक्स जब उसका साउंड उसका सिस्टम सही टाइम से मूवी चालू हो जाए प्रॉपर इंडिकेशनज हों सीट के बैठने के कोई दूसरा शोर शराबा हो हल्ला ना हो यानी कि आपका जो वहाँ पर उद्देश्य था बेसिकली फॉर गोइंग दैट टू एन्जॉय दैट एक्सपीरियंस वो आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो सिमिलरली एक ऑडिटर के लिए कम माना जाएगा कि वो अच्छा क्वालिटेटिव काम कर रहा है जब वो ऐसा ओपिनियन दे जो ओपिनियन उपयुक्त तो हो उन सर्कमस्टांसिस के अनुसार वो अपनी रिपोर्ट ऐसी बनाए जैसी कि लॉ एंड रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट के अनुसार बनना चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन कवर करते ऑब्जेक्टिव ऑफ एस एज टू इंप्लीमेंट क्वालिटी दो सौ वन का उद्देश्य है टू इंप्लीमेंट क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर एट इंडिविजुअल ऑडिट जिसे एंगेजमेंट कहते हैं एंगेजमेंट लेवल दैट गिव रीजनेबल इश्योरेंस ऑडिट कंप्लाइज विदिटर कंप्लाइज विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सारे ऐसे फॉलो हों रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट फॉलो जो भी हमारे लॉज एंड रेगुलेशन है ताकि हमारी जो रिपोर्ट है वो अप्रोप्रिएट टू सरकम और ऐसे 220 के किसी भी क्वेश्चन में 90 परसेंट चांस है कि आपको ऑब्जेक्टिव लिखना ही पड़ेगा शुरू उससे ही होता है आंसर तो आंसर में आप क्या लिखेंगे वॉट इज दबजेक्टिव और ऐसे टू इम्प्लीमेंट क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स एट इंडिविजुअल ऑडिट लेवल टू इंश्योर टू थिंग्स वन कंप्लायंस विथ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स रेगुलेशंस एंड लॉ इसको बार बार अपन रेफर करेंगे पी एस आर एल एल एंड टू इशू एन ऑडिट रिपोर्ट विच इज अप्रोप्रिएट टू ओपिनियन इज करेक्ट ये हो गया तो अपन मानेंगे अपना क्वालिटेटिव काम हो गया तो अच्छी क्वालिटी लाने के लिए क्या बताओ होना चाहिए सबसे पहली चीज हमारे पास होना चाहिए एक लीडर तो फॉर्म एज ऑल में लीडर होना चाहिए एंगेजमेंट में यानी एक ऑडिट असाइनमेंट में यानी एक इंडिविजुअल ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है जैसे डेलॉइड के पास हिंदुस्तान न्यू का ऑडिट है तो वो उसकी एक ऑडिट एंगेजमेंट है एक असाइनमेंट है तो उसका लीडर कौन होगा तो नॉर्मली जो सीए पार्टनर होगा जो उस ऑडिट को देख रहा है उसे क्वालिटी कंट्रोल लीडर भी बनाया जाएगा उसे बोलेंगे वो क्लास टीचर है उसे इन्श्योर करना है कि फॉर्म की क्वालिटी पॉलिसीज़ उस ऑडिट में फॉलो उसे इंश्योर करना है एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस फॉलो ऑडिट में क्वालिटी तभी आएगी दोस्तों जब आप एथिकली काम करोगे थर्ड कोई भी क्लाइंट का मैं ऑडिट नहीं करता दोस्तों हर फर्म की अपनी पॉलिसी होती है कि इस क्लाइंट का काम लेना है क्योंकि मेनिपुलेटिव क्लाइंट है तो वो आपको भी फंसा देगा इंडिपेंडेंस अपन ने डिस्कस करी एथिकल रिक्वायरमेंट का ही एक्सटेंशन नहीं है एंड देन ह्यूमन रिसोर्स प्रॉपर ट्रेन स्टाफ होना चाहिए पर्याप्त स्टाफ होना चाहिए उसका अप्रेजल सुपरविजन सब कुछ होना चाहिए उस स्टाफ में से आप एक टीम निकालोगे तो वो एंगेजमेंट टीम पूरी एंगेजमेंट को परफॉर्म करेगी और उस टीम का जो मुखिया होगा वो डायरेक्शन देगा टीम को सुपरवाइज करेगा काम पे और मॉनिटर करेगा प्रॉपर हो रहा है नहीं उसके वक्त को रिव्यू भी करेगा ये सब चीज़ें होगी तब जाके प्रॉपर क्वालिटी आएगी तो एक एक करके ये सब पढ़ना है सबसे पहले लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है जो एंगेजमेंट पार्टनर है यानी कि डेलॉइड का वो पार्टनर जो हिंदुस्तान लीवर के ऑडिट को हेड कर रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि वो कि वो इंश्योर करे उसके असाइनमेंट पे ओवरऑल क्वालिटी आए मतलब प्रोफेशनल स्टैंडर्ड रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट का हो QCPP का पालन हो और रिपोर्ट अप्रोप्रिएट टू सर स्टांस ये हो गया तो मान लेंगे कि उसने अपना काम अच्छे से किया एंगेजमेंट पार्टनर को ध्यान रहना है पूरे अलर्ट थ्रू आउट दैट द टीम एंड द एंगेजमेंट पार्टनर इम सेल्फ एंड द फॉर्म इट सेल्फ इज इंडिपेंडेंट तो ये कैसे रहेगा थ्रू ऑब्जर्वेशन और इंक्वायरी देखते रहोगी कहीं इंडिपेंडेंस थ्रेट तो नहीं आ रहा है कैसे आ सकता है इंडिपेंडेंस थ्रेट किसी पार्टनर ने कंपनी के शेयर तो नहीं खरीद लिए इंडेटनेस तो नहीं आ गई कोई ऑडिट टीम मेंबर रिलेटिव तो नहीं है कंपनी तो के डायरेक्टर्स का है किसी का तो ये आप ध्यान रखोगे इंक्वायरी करते रहोगे तो पता पड़ जाएगा फॉर एडेंस ऑफ नॉन कंप्लाइंस ऑफ रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट अगर कोई ऐसा सिचुएशन आता है कि नॉन कंप्लाइंस हुआ है तो फिर क्या करना पड़ेगा तो इफ़ मैटर कम टू एंगेजमेंट पार्टनी अटेंशन तो आप दूसरे पार्टनर्स आपस में दूसरे फर्म के पार्टनर से कंसल्ट करके डिसाइड करो क्या करना है ऑडिट कंटिन्यू करना है नहीं करना तो ऐसे मालूम पड़ा कि यार हमारे किसी पार्टनर ने जिसका ऑडिट कर रहे हो उससे एक लाख से ज़्यादा की फेस वैल्यू की सिक्योरिटी खरीद ली छोड़ना पड़ेगा रिलेटिव ने करी दी तो उसको बोल सकते हैं साठ दिन में बेच दे भाई ताकि हम ऑडिट करें तो जो भी एक्शन लेना है नॉर्मली ध्यान रखना कि इसके लिए एंगेजमेंट पार्टनरशिप क्या करेगा फॉर्म का जो क्यूसी है क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर मैनुअल उसमें दिया हुआ रहेगा ये ये चीज़ों का ख्याल रखना उसका पालन कर लो तो मान लेंगे कि आपने एथिकल रिक्वायरमेंट का पालन कर लिया पर इन सब के अलावा आपको इंडिपेंडेंट रहना इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है फॉर्म नेटवर्क फर्म और टीम हर किसी का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है नेटवर्क फॉर्म आपने पढ़ा होगा कंपनी ऑडिट में भी कई जगह कि सीए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई प्रोहिबिटेड सर्विस 144 फौर की नहीं दे सकता इनडायरेक्टली मतलब नेटवर्क फॉर्म्स के थ्रू कूलिंग पीरियड में नेटवर्क फॉर्म्स भी चली जाती है तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ आपकी इंडिपेंडेंस नहीं आपकी फॉर्म के साथ साथ आपकी नेटवर्क जिस नेटवर्क का पार्ट हो हर फॉर्म किसी नेटवर्क का पार्ट हो ऐसा ज़रूरी भी नहीं पर जैसे डलवाइट पीडब्ल्यू सी नेटवर्क में काम करते हैं तो आपकी पूरी नेटवर्क की आपकी फॉर्म की और आपकी टीम की इंडिपेंडेंस होना चाहिए तो जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो आइडेंटिफाई और ऐसे सर्कमस्टांस देखेगा जिससे लगता है कि इंडिपेंडेंस पे कोई थ्रेट आ रही है किस तरह की थ्रेट्स हो सकती है वी विल डिस्कस दैट और अगर ऐसी कोई थ्रेट मिलती है तो फिर वो एक्शन अप्रोप्रिएट लेगा उसे इवेल्यूएट करके एक्शन लेगा थ्रेट्स क्या होती है दोस्तों एक चीज समझो कब ऐसा हो सकता है कि एक ऑडिटर पक्षपात करने का सोचे सोचे कि जो उसे करना चाहिए वो ना करे कुछ और करे वॉट आर द पॉसिबल थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस तो देर आर फाइव थ्रेट्स सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट यानी कि अगर आपका कंपनी में शेयर होल्डिंग है खुद का इंटरेस्ट है कंपनी में कंपनी से लोन ले रखा है दे रखा है रिलेटिव आपके कंपनी में एम्प्लॉयड है इन सब से क्या है का आपका आएगा आपका इंटरेस्ट आएगा कंपनी में इसलिए कभी कोई कंपनी में आपको चीज़ मिली जिससे उसके प्रॉफिट कम हो रहे हैं तो आप शायद चाहोगे कि ना करो क्यों क्योंकि मेरे पास ही कंपनी के शेयर्स हैं अब अलाउड नहीं है पर आपने ले लिया तो आपको मालूम है शेयर प्राइस बढ़ेगी तो आपको फ़ायदा होगा तो आपका सेल्फ इंटरेस्ट कंपनी में आ गया इसलिए आप इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पा रहे भाई सीधी सी बात है ना आप सिंपल सी बात समझिए कि लच्चे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप आई के पेपर सेटर हो और इस साल आप एग्ज़ाम का पेपर बना रहे हो और आपको मालूम है आपका लड़का भी सी फाइनल की एग्ज़ाम देने वाला है या इंटर की एग्ज़ाम दे रहा है और आप उसी के पेपर सेट करते हो आप क्या चाहोगे इस बार पेपर थोड़ा इजी बनाओ क्योंकि अपना बच्चा भी एग्ज़ाम दे तो आपकी इंडिपेंडेंस अफेक्ट हो रही है क्यों अफेक्ट हो रही है क्योंकि आपका खुद का इंटरेस्ट आ रहा है आपके रिलेटिव का इंटरेस्ट है तो एक है कि आपका इंटरेस्ट आ जाए दूसरा है सेल्फ रिव्यू थ्रेट कई बार ऐसा होता है कि आप एक ही क्लाइंट से कई सारे काम लेके मल्टीपल पैसा बनाना चाहोगे तो मैं एक क्लाइंट का ऑडिट कर रहा हूँ उसने बोला बुलाया इंटरनल ऑडिट भी कर दे अकाउंटिंग भी कर दे मेरे ई सिस्टम भी बना दे मैंने सब कर दिया बाद में मैं ऑडिट करने जाऊँगा और कोई गलती निकली तो मैं बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि मैंने उसका इंटरनल ऑडिट भी किया तो इसलिए कभी भी ऐसा काम नहीं करना जिससे आपको अपने ही काम को चेक करना पड़ जाए यू शुड नॉट बी अ चेकर ऑफ थिंग्स विच यू योर सेल्फ मेड इसलिए सेक्शन 144 बोलता है कि ऑडिटर दूसरे कोई काम नहीं करेगा प्रोहिबिटेड है कुछ ही है, एक काम पर अलाउड हो सकते हैं वो भी बोर्ड की परमिशन से थर्ड आप ध्यान रखना आप क्लाइंट के एडवोकेट नहीं हो वकील नहीं हो वकील का काम होता है क्लाइंट को बचाना वो सही हो या गलत बोलता है वो कोर्ट डिसाइड करेगा जज डिसाइड करेगा मुझे तो मानना है वो सही और है और बचाना है सी ए ऐसा नहीं मानता कि मुझे क्लाइंट को बचाना है वो उसका एडवोकेट नहीं है वो उसकी दलीलें पेश नहीं करेगा जाके वो सिर्फ ये चाहेगा कि जो सत्य है वो उसके साथ रहे लंबे समय से ऑडिट करोगे तो फेमिलरिटी थ्रेट आ जाएगी कंपनी का ऑडिट मैं बीस साल से कर रहा हूँ फेमिलियर हो गया उन चीजों से इसलिए कंपनी जाकर में रोटेशन के प्रोविजन है पहले मैं कंपनी में डायरेक्टर था और अब मैं डायरेक्टरशिप छोड़ के एक सी चालू करके ऑडिटर बन गया हूँ और उसी कंपनी का ऑडिट कर रहा हूँ फेमिलियर हूँ मैं कंपनी से फेमिलियरिटी थ्रेट है अपनी कंपनी मेरा क्लोज रिलेटिव है जो वहाँ पे काम कर रहा है उस पर्टिकुलर कंपनी में मैं फॉर्मर पार्टनर कंपनी का डायरेक्टर है लंबे समय से ऑडिट कर रहे हैं हमें गिफ्ट विफ्ट मिलते रहते हैं क्लाइंट से फेमिलियर हो गए घर जैसा माहौल हो गया, है, हो गया है, यारी दोस्ती हो गई तो देखो अगर आपका कोई रिलेटिव वहाँ पे सीनियर पोजिशन में है तो उससे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड भी आ सकता है फेमिलियरिटी ऑडिटी थ्रेड भी आ सकता है मल्टीपल थ्रेड्स आते हैं एंड देन इंटमीडिएशन थ्रेड थ्रेड की आपको हटा दिया जाए ऑडिटर बोलता है मैंने रिपोर्ट मॉडिफाई करी क्वालिफाई की नेगेटिव कमेंट दिए तो मुझे मॉडि हटा दिया जाए हटा देंगे यानी क्या बोल देंगे कि भैया तू ऑडिट कंटिन्यू मत कर और जैसे ही ये बोल दिया तो इससे क्या रिस्क है रिस्क है कमबक क्या है कि अगर मुझे हटा दिया तो मेरा ऑडिट ही चले गया तो क्या करना सत्यवादी बन के अगर ऑडिट ही चले जाए तो इसलिए मैं काम करता हूँ रिपोर्ट में कोई नेगेटिव कमेंट देता ही नहीं हो नहीं तो मैनेजमेंट मुझे हटाने का डर दोष दे रहा है तो चिंता मत करो ऑडिटर को हटाना इतना आसान नहीं है कमनीजाग का सेक्शन वन आपको बहुत सारे पावर्स देते हैं तो आप इंडिपेंडेंटली काम करें तो ये पांच तरह की थ्रेट्स है आईफैक ने इन थ्रेट्स को डिफाइन किया है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आपका खुद का फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना सेल्फ रिव्यू थ्रेट कंपनी के लिए अदर देन ऑडिट करना और बाद में फिर उसी का ऑडिट करना आप क्या बोलोगे गलत हो गया मैनेजमेंट बोलेगा कि इसने किया मैंने बोला मैंने ही किया और बोले तुम ही गलती निकाल रहे देन एडवोकेसी थ्रेट की आप क्लाइंट के एडवोकेट बन गए उसके पक्षपात कर रहे हो फिमिलरिटी थ्रेड लंबे समय से ऑडिट करने से आपका रिलेटिव वहाँ पे काम करने लग जाए उससे या वहाँ का पार्टनर आपका आप पार्टनर बन जाए या आपका पार्टनर वहाँ का डायरेक्टर बन जाए या गिफ्ट वगैरह आप एक्सेप्ट करो तो और इंटिमिटेशन थ्रेड डर कि आपको हटा दिया जाएगा ये दूर रहोगे इन थ्रेड से तो इंडिपेंडेंट ऑडिट कर पाओगे इंपॉर्टेंट है एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है और आ भी सकता है इंडिपेंडेंस को डिफाइन किया गया है सबसे पहले कहा गया इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है योर जजमेंट शुड नॉट बी सबॉर्डिनेट टू द विश ऑफ योर और अन पर्सन आपकी डिसीजन मेकिंग इस पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि आप या दूसरा व्यक्ति क्या चाहता है जो सही है उसके आधार पर होना चाहिए माँ ने बोला देख तेरी बीवी कितना बुरा व्यवहार करती है आपका डिसीजन कैसा होना चाहिए तो आपको मालूम है कि व्यवहार आपकी क्या कर रही है बीवी बुरा कर रही है तो आपको उसे बोलना चाहिए आपको ये नहीं सोचना चाहिए बोल दिया तो फिर रात को अपने को पढ़ने वाले ठक 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 रूम में गए और टक थक हाँ सर बहुत एक्सपीरियंस है आपको तो इसका मतलब कि आपको इंडिपेंडेंटली काम करना हैं या फिर आप कामयाद करो आप बोलो कि भैया मुझसे मत पूछो मेरा तो ओपिनियन बाइज्ड होगा तो किसी और से पूछो बड़े भैया से बात है एनी विच वे इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिफाइन इंडिपेंडेंस आप उसे डिफाइन कर ही नहीं सकते क्यों क्योंकि देखो आप जिस क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हो उससे फीस ले रहे हो उसे आपकी इंडिपेंडेंस अफेक्ट हो गई क्योंकि कहीं ना कहीं तो आप उस पर डिपेंडेंट तो रूल कभी भी क्लियर नहीं हो सकते इसका मतलब इट इज समथिंग विच इज सेल्फ ड्रिवन इट्स अ पर्सनल कैरेक्टर इट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड एंड योर ओन कैरेक्टर एक व्यक्ति है जो बोलता है नहीं यार मैं गलत राह पे नहीं जाऊंगा इंडिपेंडेंटली काम करूंगा वो इंडिपेंडेंस ज़्यादा फॉलो करे कई बार लॉ में कुछ स्टैंडर्ड्स दिए जाते हैं जैसे कंपनी जैट ने बुलाया रोटेशन होएगा सेक्शन वन वर आप काम एक्सेप्ट नहीं करोगे 141 कई चीज़ों में आपको डिस्कवालीफाई कर देंगे अगर आपने शेयर लिया इन डेटने से एक अमाउंट से ज़्यादा ली पर इसका मतलब ये नहीं है वो सब फॉलो कर दिया तो इंडिपेंडेंट हो गए वो तो सिर्फ कुछ बातें है जो आपको करने से रोकी गई है पर जैसे रिलेटिव का कंपनी में डायरेक्टर होना आपको डिस्कवालीफाई कर देगा ऑडिटर बनने से पर रिलेटिव अगर फियंसी है तो वो रिलेटिव ही नहीं है तो फियंसी डायरेक्टर है तो टेक्निकली आप डिस्कालीफाइड नहीं हैं रिलेटिव अगर आपका होल्डिंग कंपनी में डायरेक्टर है तो आप डिस्कालीफाइड सब्सिडरी में नहीं है पर हो सकता है कि उससे आपका इंटरेस्ट अफेट हो तो इसके लिए कहा गया है कि भैया जो लॉ ने बोला है आप ये मत सोचना कि उत्तना फॉलो कर लिया तो आप इंडिपेंडेंट हो गए इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड इट शुड बी इन माइंड इट शुड बी इन अपियरेंस लोगों को लगना चाहिए आप इंडिपेंडेंट हो और मन से भी आप इंडिपेंडेंट हो तो ही एक्सेप्ट करें ठीक है तो इट शुड एक्जिस्ट इन फैक्ट एंड शुड लुक टू अदर पर्सन आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनस्ट और सिंसियर रहे अपनी अप्रोच में फेयर रहें प्रिजुडाइज या बायस नहीं होना चाहिए पक्षपात ना करें इम्पार्शल एटीट्यूड रखें और कई सारे सर्कमस्टांस में हो सकता है अलग अलग थ्रेट आ जाए इंडिपेंडेंस की उसके लिए आप सेफ बिल्ड कर सकते हैं कैसे सेफ जैसे कि आपने एक सेफ बिल्ड कर रखा है अपने यहाँ पे कि भैया हम कोई भी कंपनी का ऑडिट अगर एक्सेप्ट करते हैं तो हर दो साल में ऑडिट पार्टनर चेंज होता है पांच एजीएम के लिए ऑर्डर पॉइंट होता है पर दो साल बाद एंगेजमेंट पार्टनर चेंज करते हैं तो इस पार्टनर को भी डर है कि दो साल बाद कोई दूसरा पार्टनर आएगा मैंने ढंग से काम नहीं किया तो वो डिटेक्ट करेगा तो मेरी खराबी होगी ऐसे आप इंटरनल सेफ गार्ड्स पुटअप कर सकते हो दिस इज ऑल अबाउट इंडिपेंडेंस चले देन कोई भी ऑडिट तुम्हें मिले तो क्या करना लपक लेना क्या अरे ऑडिट आया ऑडिट आया लक्ष्मी आई कौन मना करता है ऐसा नहीं करना आपको सबसे पहले क्या करना है कोई भी ऑडिट आए तो आपको चार चीजें सोचना है इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट जिसने आपको अपॉइंट किया कहाँ से पता पड़ेगा उसके बारे में आपको उसकी रेपुटेशन उसके ओनर्स की रेपुटेशन मैनेजमेंट की रेपुटेशन उसके ऑपरेशन बिजनेस प्रैक्टिस वो कहीं आप पे लिमिटेशन तो नहीं डाल रहा है जल्दी ऑडिट करो कम फीस पे उसकी मार्केट में रेपुटेशन तो नहीं है काला पैसा सफ़ेद करने की क्यों आपको अपॉइंट कर रहा है रीअपॉइंट पिछले ऑडिटर को क्यों नहीं कर रहा है ऐसे जानो कि आपको अपॉइंट क्यों किया जाए और आपको लगता है जेन्यून है भाई पिछला ऑडिटर रोटेशन में खत्म हो गया टर्म इसलिए आपको अपॉइंट किया ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा फीस का निगोसिएशन कर रहा है मार्केट रेपुटेशन भी अच्छी है तो फिर आप एक्सेप्ट कर सकते हो हाँ प्रोवाइडेड आपके पास टाइम और रिसोर्स लोग ही नहीं है तो फिर एक्सेप्ट मत करना प्लस आपको लगता है कि आप एथिकल रिक्वायरमेंट पर्टिकुलरली इंडिपेंडेंस मीट कर पाओगे आपके इंडिपेंडेंस इशू है तो मत करना और अगर आप पहले आपने कभी कोई काम किया उसके लिए तो वो एक्सपीरियंस देख लेना आपका क्या रहा है पहले का उसके बेसिस पे क्या एक्सेप्ट करना है नहीं इससे आप डिसाइड करना कि कोई आपको ऑडिटर अपॉइंट कर रहा है या रीअपॉइंट कर रहा है तो आपको एक्सेप्ट या रिटेन अपनी पोजिशन करना है या एक बार आपने ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया फिर आपको टीम असाइन करना है कैसी टीम असाइन करना है जो इस ऐसे का उद्देश्य अचीव कर सके यानी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड और रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट के अनुसार ऑडिट कर सके और ऐसा ओपिनियन दे सके जो अप्रोप्रिएट टू तो सर यानी इस ऐसे का उद्देश्य अचीव कर सके फिर शुरू होगा एंगेजमेंट परफॉर्मेंस तो अब आपने टीम बना ली अब आप टीम को ऑडिट पे भेजोगे तो टीम को ऑडिट पे भेजोगे तो किन चीज़ों का ख्याल रखना है सबसे पहले आप टीम को ब्रीफ कर दो कि भैया क्या काम करना है अपने को बता दो एस एस फॉलो करना है और बता दो कि उनका सुपरविज़न होगा डायरेक्शन रिव्यू होगा तो ये तो डायरेक्शन दे दिया अपन ने कि भैया एस एस फॉलो करना लॉ रेगुलेशन फॉलो करना ये ऑडिट करना है फिर सुपरविज़न करना है उनका उनके काम को रिव्यू करना है उन्हें बोलना अपने सारे काम को डॉक्यूमेंट करें और क्यू सी का पालन करें ये बोल के उनको भेज दो काम पे अब डायरेक्शन में आपको क्या क्या चीज़ों में डायरेक्शन देने हैं तो आप इसको ऐसे समझो सपोज भारत सरकार सर्जिकल स्ट्राइक पे दो टीमें भेज रही है उन्होंने बोला एक काम कर सर्जिकल स्ट्राइक करते इस बार दो करते एक चाइना की तरफ जाओ और एक से पाकिस्तान की तरफ जाओ या फॉर एग्जाम्पल दोनों पाकिस्तान की तरफ जाओ दो टीम अपन सर्जिकल स्ट्राइक पे भेज रहे हैं तो जो भी कमांडर इन चीफ होगा वो क्या करेगा डायरेक्शन देगा भेजने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन देगा सबसे पहले क्या इंस्ट्रक्शन देगा और सबसे पहले बताएगा देख अपना उद्देश्य क्या है अपना उद्देश्य को कोई हानि नहीं पहुंचाना है हमारा उद्देश्य प्योर उनको क्या एक करारा जवाब देना है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कंप्लाई एथिकल रिक्वायरमेंट एंड अप्लाई प्रोफेशनल हम सबसे पहले बोलेंगे कि देख अपना एथिकल काम है वहां पे जाना है ये उद्देश्य पूरा करके आना है दो टीम है तो दोनों की इंडिविजुअल क्या क्या जिम्मेदारी है वो बता देंगे फिर अपन उनको बताएंगे कि यार देखो अपनी अप्रोच क्या होगी तो अप्रोच ये है कि भैया सुबह होने से पहले पूरा काम खत्म करके वापस आ जाना है दिस इज आर अप्रोच तुम जाओगे तो हो सकता है ये ये प्रॉब्लम्स तुम्हारे सामने आए वेदर खराब हो जाए कनेक्शन टूट जाए तो अलग अलग प्रॉब्लम में क्या करना है क्या रिस्क है हो सकता है तुम्हें पकड़ लिया जाए इंटरोगेट किया जाए तो तुम्हें बताना पड़ेगा तो हो सकता है भारत सरकार बोल दे भैया हम जानते ही नहीं है तुमको हम तुम्हारे लोग ही नहीं है तुम तो ये सारे रिस्क भी हमें पहले से बता के भेजना पड़ेगा मुद्दे की बात यह है कि ये सब करने से पहले आपको बताना पड़ेगा भैया की टेरेन कैसी है क्या है और आपका उद्देश्य क्या है ये सारी चीज़ तो डायरेक्शन में इन ऑल देखा जाए तो सात चीज़ें बताते हैं सबसे पहले अपन क्या बताते हैं कि अपन जहाँ भेज रहे हैं उसका क्या टेरेन है नेचर ऑफ द एंटिटी वॉट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्क परफॉर्म ऐसे अपन बोल सकते हैं ये पहला पॉइंट ये दूसरा पॉइंट साथ ही साथ में हमें एथिकली जाके काम करना है और अल्टीमेटली किसकी क्या जिम्मेदारी क्या अप्रोच रहनी चाहिए काम करने की आपकी क्या प्रॉब्लम आ सकती है क्या रिस्क आ सकते हैं उससे कैसे निपटना है ये डायरेक्शन देके टीम चली जाएगी फिर आप टीम से लगातार संपर्क में रहोगे सुपरविज़न करोगे तो सुपरविजन जब भी होता है तो क्या होता है ऑडिट लंबा चलता है दो तीन महीने चलता है तो आप सबसे पहले क्या करोगे हफ्ते के हफ्ते बुलाओगे या फ़ोन पे बात करोगे या मीट करोगे तो आप पूछोगे क्या चल रहा है कैसा चल रहा है यू ट्रैक द प्रोग्रेस फिर आप देखोगे जिनको जो काम दिया है वो कर पा रहे या नहीं नहीं कर पा रहे तो रीअलोकेट करोगे फिर उनसे पूछोगे यार कोई प्रॉब्लम आ रही है तुमको तो बताओ और तुमको कोई गाइडेंस चाहिए तो बताओ तो चार चीज़ें सुपरविजन में आती है प्रोग्रेस ट्रैक करना कॉम्पिडेंस केपेबिलिटी इवेल्युएट करना और अगर लगे तो रीअलोकेट करना वक्त को क्या मैटर उनको कंसल्ट करना है हमसे उनसे पूछ लें और कोई सिग्निफिकेंट एरिया उनके आए तो अपन उनसे बात कर ले अच्छा यहाँ फ्रॉड मिले यहाँ हमें स्टेटमेंट मिला है डिस्कस करें ये सब करके जब ऑडिट खत्म होता है तो रिव्यू होता है रिव्यू कब होता है नियर टू एंड ऑफ ऑडिट कौन करता है एंगेजमेंट पार्टनर तो वो टीम के पास जाएगा आखिरी में और बैठेगा और किसी भी डिफाइन करता है रिव्यू में क्या होना चाहिए कब क्या कैसे किया जाना चाहिए इसका मेन उद्देश्य क्या होता है तो रिव्यू का उद्देश्य क्या होगा तो आप बताइए आप एंगेजमेंट पार्टनर और आपकी टीम ने पूरा ऑडिट किया है तो आपका उद्देश्य क्या होगा कि आप टीम के साथ बैठो और टीम से क्या बात करो कि भैया देखो तुमने क्या ऐसे इसके ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिए इस ऐसे का उद्देश्य क्या था कि भैया सारे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट के अनुसार ऑडिट हो और हमारा ओपिनियन अप्रोप्रिएट टू सरकमस्टांस तो हम बोलेंगे क्या प्रोफेशनल स्टैंडर्ड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई है क्या ऑब्जेक्टिव हमारे एंगेजमेंट के अचीव हुए ये तो ग्लोबल बातें हो गई इसके बाद अपन क्या बात करेंगे फिर अपन ने सुपरविजन में जो दो बातें करी थी ना वो यहाँ पे चेक करेंगे जैसे सुपरविजन के दौरान उसने कुछ चीज़ों पे मुझसे कंसल्टेशन मांगा था जैसे उसने बोला था सर ये पूछ के बताओ ना इसका क्या करना है मैंने बताया था तो वो मैं चेक करूंगा अरे वो हुआ नहीं हुआ क्या हुआ

बस ये करके आपका रिव्यू हो गया और चीज ध्यान रखना कि जब आप अपनी डायरेक्शन सुपरविजन या रिव्यू करोगे किसका टीम का तो नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ टीम टीम का कितना रिव्यू करना है ये किस पे डिपेंड करेगा ये डिपेंड करेगा कि साइज़ और कॉम्प्लेक्सिटी एंटिटी की कितनी है ऑडिट का एरिया कितना बड़ा है रिस्क कितने ज़्यादा थे और हमारी टीम कितनी कॉम्पिटेंट ज़्यादा कॉम्पिटेंट टीम है तो सुपरविजन कम लगेगा नई नई टीम है तो सुपरविजन ज़्यादा एनटीटी जिसका ऑडिट कर रहे हो साइज़ बहुत बड़ी है एरिया ऑडिट का बहुत बड़ा है तो ज़्यादा सुपरविज़न डायरेक्शन रिव्यू लगेगा रिस्क बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा लगेगा ऐसा इसके अलावा ये एस क्यू सी वन का पॉइंट है ये कहता है कि आप जो क्यू सी बी पी बनाते हो उसमें ये सारी चीज़ें जो पढ़ी है लिखी हुई है पार्टनर को सिर्फ इन्श्योर करना है वो इन सब का पालन करें पर क्यू सी का पालन हो रहा है या नहीं और क्यूसी पी में ही कोई आउटडेट हो गई चीज़ है ऐसे नया आ गया तो उसको क्यूसी पी चेंज करनी है तो क्या होगा तो आपको एक प्रॉपर सिस्टम बनाना है क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस में जिसमें आप ये इंश्योर कर सको कि आपके सिस्टम क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी हमेशा रेलिवेंट डेडिकवेट और काम करें इसके लिए आपको देखना है कि क्या प्रोफेशनल रीगल स्टैंडर्ड फुलफिल हो रहे हैं क्या क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट हो रहा है क्या अप्रोप्रिएटली अप्लाई किया जा रहा है ताकि रिपोर्ट्स अप्रोप्रिएट आ रही है तो ये ऐसे के ही ऑब्जेक्टिव है और कुछ नहीं भाई ऐसे के ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं यानी क्यू सी फॉलो हो रहा है प्लस एडिशनली क्या क्यू सी में कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है हो सकता है कोई टीम मेंबर बोलते सर क्यू सी पी में पॉइंट पुराना है अमेंडमेंट चाहिए तो वो भी मॉडिफाई हो रहा है या नहीं और इन सब के अलावा एस क्यू में एक ह्यूमन रिसोर्स की बात की गई है आपकी एक एच पॉलिसी होना चाहिए जिसके अंदर आप क्या इंश्योर करोगे कि आपके पास अच्छी कैपेबिलिटी कॉम्पिटेंस और कमिटमेंट विद एथिकल प्रिंसिपल वाले ऐसे लोग हों जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड और लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के अनुसार ऑडिट कर सकें इसके लिए आपको प्रॉपर लोगों को रिक्रूट करना है उनके परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करना है कैपेबिलिटी कॉम्पिटेंस उनकी चेक करना है डेवलप करना है उनकी ज़रूरतें ढूंढनी है उन्हें प्रॉपर कंपनसेशन देना है समय पे प्रमोशन देना है डेवलपमेंट देना है तो अच्छी टीम रहेगी तभी जाके आप क्या कर पाओगे प्रॉपर काम करवाओगे रैंडम ऑर्डर में आप लिख सकते हो सेम सिक्वेंस में लिखना जरूरी नहीं ये आपका एक बड़ा स्टैंडर्ड होता है टू सॉरी टू टू जीरोस कम टू ऐसे टू हंड्रेड एंड थर्टी इसके ऊपर पूरा का पूरा आपका एक सेपरेट चैप्टर भी है बट दिस इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स विच यू वुड फाइंड ऐसे टू थर्टी का वेटेज आप देख सकते हो डायरेक्टली इसके ऊपर बेस बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं रेयरली पूछा जाता है आई लाइक टू ट्वेंटी एस क्यू सी वन विच इज रिलेटिवली मोर फ्रीकुवेंटली आज वॉट वी जस्ट डिस्कस्ड सॉरी जस्ट लेट मी शो यू दिस वन सेकेंड सो दिस इज टू ट्वेंटी एंड दिस इज टू थर्टी इन टर्म्स ऑफ एवरेज कुल्स गेट बैक टू आर डिस्कशन गोइंग टू द्रोन चार्ट एंड दो सौ तीस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या कहता है सबसे पहली चीज़ क्लियर कर लो डॉक्यूमेंटेशन और वर्किंग पेपर एक ही चीज़ है दोनों में कोई फर्क नहीं है इनफैक्ट ऑडिटर जो भी चीज़ें ऑडिट करता है उन सबको कहीं ना कहीं वो नोट करके उसे अपने पास रख लेता है तो ये जो चीज़ें वो नोट करके अपने पास रख रहा है ये उसका डॉक्यूमेंटेशन है और नॉर्मली uh, ऑडिटर इसको एक प्रॉपर फाइल में जमा देता है जिसे कहा जाता है ऑडिट फाइलिंग विच इज यू कैन से एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस वेयर यू कंपाइल ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड पुट इट अप इन अ फाइल विद प्रॉपर इंडेक्सिंग सो दैट इट कैन बी वेल रेफोर्ड इन द फ्यूचर यज अब सवाल ही उठता है कि मुझे क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट करके रखना है इसलिए ऐसे टू हंड्रेड एंड बनाया गया तीन चीज़ें डॉक्यूमेंट करनी होती है आपको जो प्रोसीजर्स आपने लगाए उससे जो एविडेंस मिले और जो कंक्लूजनस आपने रीच किए आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि आपके पास एक सफिशियंट बेसिस हो कि कल दिन अगर आपसे कोई उंगली उठाए और बोले कि भाई तूने ये ऑडिट ओपिनियन में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अपनी रिपोर्ट अनमोडिफाइड यानी क्लीन रिपोर्ट यानी कैसे कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू एंड फेर यू दे रहे या कल दिन कोई फ्रॉड निकल जाए जो आप डिटेक्ट नहीं कर पाए थे तो आप अपना बचाव कैसे करोगे तो डॉक्यूमेंट आपका बताएगा कि देखो भैया हमने हमारे हिसाब से पर्याप्त चेकिंग करी थी इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट के कारण हो सकता है चीज़ें छूट गई तो उद्देश्य डॉक्यूमेंटेशन का ऐसा होना चाहिए कि उससे आप यह प्रूफ कर सको कि आपने जो ओपिनियन या रिपोर्ट बनाई है दैट इज बेस्ड ऑन यू हैव तो आपको यह प्रूव करना है कि अगर आपने अपना काम अच्छे से किया है तो यह डॉक्यूमेंट से कैसे प्रूव होगा अगर आप ये प्रूव कर पाओगे आपने सारे एस का कंप्लायंस किया है सारी लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का कंप्लायंस किया और आपने अपना ऑडिट प्रॉपरली अकॉर्डिंगली प्लान और परफॉर्म किया

आपको जब भी अपनी रिविजन प्लान करना है या रिविजन करना है तो दोनों में ही आपकी मदद करेगा नंबर वन नंबर टू प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से आप एंगेजमेंट टीम को डायरेक्ट और सुपरवाइज कर सकते हो तो आपको एग्जैक्टली exactly पता है कौन सा काम किसने किया है तो अकाउंटेबिलिटी भी एस्टैब्लिश होती है कि किसने कौन सा काम किया है मालूम है सब चीज़ें नोटेड है तो करने वाला भी डरता है कि यार गलती करूँगा तो बाद में पकड़ा जाऊंगा देन अगले साल ऑडिट होगा तो हो सकता है पिछले साल के कुछ चीज़ें काम करी हो जैसे इंटरनल कंट्रोल या कोई लीगल क्या है इसके ऊपर डिस्कशन किया हो तो हो सकता है ये लंबे समय तक चलने वाली चीज़ें हैं तो अगले साल की टीम भी पिछले साल के वर्किंग पेपर से ये चीज़ें असेस कर पाएंगे क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू और इंस्पेक्शन एक्सक्यूसिव में किया जाता है ये आपके सिलेबस में नहीं है बट इसमें होता ही है कि आप अपना ऑडिट पूरा कर लेते हो तो एक तो इंगेजमेंट पार्टनर आपके वर्क को रिव्यू करता है तो वो डॉक्यूमेंट से करता है इसके अलावा ऐसा भी किया जाता है कि एक पार्टनर का काम उसी फॉर्म का दूसरा पार्टनर रिव्यू करता है अगर लिस्टेड कंपनी का ऑडिट है तो ये मैंडेटरी है अपने सिलेबस में नहीं है बट फाइनल में आप पढ़ोगे कई बार आपको एक्सटर्नल इंस्पेक्शन भी हो सकता है कराना हो जैसे पीयर रिव्यू वगैरह होता है ये भी इंटर में नहीं है तो ये सब डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे होता है तो ये ध्यान रखना ये सब उद्देश्य है डॉक्यूमेंटेशन के पर्पज हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं अब सवाल ये होता है कि यार डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्मेट क्या होगा उसके अंदर कंटेंट कितना होगा और कितना डिटेल में मुझे डॉक्यूमेंटेशन बनाना है तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको तीन चीजें डॉक्यूमेंट करनी है प्रोसीजर एविडेंस और कंक्लूजन्स ध्यान रखना कि जब आप प्रोसीजर डॉक्यूमेंट करते हो तो आपको प्रोसीजर में ये डॉक्यूमेंट करना है कि आपने क्या चीज चेक करी कब चेक करी कितनी चेक करी और किसने चेक करी और किसने उसका रिव्यू किया तो वन आइटम टेस्टेड चेक डिट वेन वॉज इट चेक एंड हु रिव्यू डाइम एंड देंट ऑफ दारे प्रोसीजर में आपको लिखना पड़ेगा कि यह प्रोसीजर कौन सा लगाया जैसे कि आपने डेटर से कन्फर्मेशन लिया तो प्रोसीजर एक्सटर्नल कन्फर्मेशन कब लगाया कितने डेटर से लिया वो लिखना है क्या एविडेंस मिला जवाब कितों का आया कितों का नहीं आया और रिव्यू किसने किया आपके वक्त को एंगेजमेंट पार्टनर ने या सीनियर ने और वो कब किया ये सब डॉक्यूमेंट हो ताकि आपको ये प्रूव करने में बाद में आसानी हो कि भाई देखो ये ये प्रोसीजर मैंने लगाए थे ये एविडेंस मुझे मिले ये मेरे कंक्लूजन है प्रोसीजर में इस तारीख पे इस समय पे इस तरह से लगाया और रिव्यू किया गया ताकि हम एक तरह से ये एस्टेब्लिश कर सके कि हमने ऐसे इसका पालन प्रॉपरली किया ध्यान रखना अगर आपका क्लाइंट या कोई रेगुलेटरी बॉडी के साथ कोई भी कम्युनिकेशन हुआ है यानी आपने क्लाइंट को कोई लेटर भेजा कि भैया हमें यहाँ फ्रॉड लग रहे हैं या हम लेक्चर रिजाइन करना चाहते हैं ऐसे सारे कम्युनिकेशन वर्किंग पेपर फाइल यानी डॉक्यूमेंट करना अनिवार्य है हो सकता है आपने फ्रॉड सेंट्रल गवर्नमेंट को आर को रिपोर्ट किया उसे भी डॉक्यूमेंट करना अनिवार्य है और अगर कभी भी आपको कोई इनकंसिस्टेंसी मिली है यानी कि आपको दो सोर्स से अलग अलग एविडेंस मिले मैनेजमेंट बोल रहा है डेटर पाँच लाख का उससे कंफर्मेशन मांगी तो बोल रहा है चार लाख ही देने तो दोनों सोर्स से अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिली है तो आपने उसे कैसे रिजोल्व किया है एड्रेस कैसे किया है, ये भी डॉक्यूमेंट करना तो तीन चीजों का डॉक्यूमेंटेशन अनिवार्य है मैनेजमेंट के साथ किए गए कम्युनिकेशन रेगुलेटरी बॉडी के साथ किए गए कम्युनिकेशन और इनकसिस्टेंट एविडेंस मिलने पर कैसे उसे रिजोल्व किया गया ये सब करके आप अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरे कर दें इस पॉइंट पे बाद में आते अब सवाल उठता है कि भाई ये तो आपने ये बता दिया हमें कि डॉक्यूमेंटेशन में कंटेंट क्या क्या होना चाहिए सही मायने में ये सारी बात तो किसकी हो गई कंटेंट की अब सवाल उठता है एक्सटेंट क्या होना चाहिए और उसके अंदर डिटेलिंग कितनी होना चाहिए तो कुछ फैक्टर्स है जो डिसाइड करने में मदद करेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन कितना डिटेल्ड होना चाहिए उदाहरण के तौर पे एक डॉक्यूमेंटेशन कैसे हो सकता है ऑडिटर ने स्टॉक वेरिफिकेशन किया इस तारीख पे इस मेंबर ने किया इसने रिव्यू किया और डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गया ये एक तरीका हो सकता है डॉक्यूमेंटेशन दूसरा हो सकता है डॉक्यूमेंटेशन इस तारीख पे किया ये पीछे अटैच स्टॉक शीट है जिसे हमने सॉरी वेरिफिकेशन स्टॉक का इस तारीख पे किया पीछे अटैचड स्टॉक वेरिफिकेशन शीट उसके साथ में हमने ये लिखा है एक्चुअल हमें कितना फाइंड हुआ कितने डिफरेंसेस आए उसको कैसे रिजॉल्व किया थोड़ा डिटेल्ड डॉक्यूमेंटरी कई बार ये भी हो सकता है और ज़्यादा डिटेल्ड हो कि स्टॉक वेरीफाई इस तारीख पे किया वेरिफिकेशन के ये प्रोसीजर्स फॉलो किए जिसका नोट नंबर वन है वेरीफिकेशन क्या टाइम से किस टाइम तक चला कौन समय पर कौन कौन लोग थे उसका नोट नंबर टू है क्या क्या डिफरेंसेज आए नोट थ्री कैसे रिजॉल्व किया नोट फोर उसकी अकाउंटिंग में क्या इम्पैक्ट आया नोट फाइव और अपेंडिक्स में ये सारी चीज़ों के हमने अटैचमेंट स्टेपल कर रखे तो एक पूरी की पूरी एक फाइल ही बन गई हमारी सिर्फ किसकी स्टॉक वेरीफाई करने की तो कितना डिटेल में डॉक्यूमेंटेशन करोगे आप मुझे बताओ आप नोट्स कितने डिटेल में बनाओगे ये वही सवाल हो गया तो ये किस पे डिपेंड करेगा ऑब्वियस सी बात है दिस विल डिपेंड ऑन सर्टेन फैक्टर्स एक, तो एक तो एंटिटी एज एन आप जिस एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो अगर वो बहुत ज़्यादा बड़ी है कॉम्प्लेक्स है तो बड़ी बहुत है और कॉम्प्लेक्स है तो डॉक्यूमेंटेशन लगेगा बहुत बड़ी है कॉम्प्लेक्स नहीं है तो कम डॉक्यूमेंटेशन से भी काम हो जाएगा छोटी है कॉम्प्लेक्स भी नहीं है तो बहुत कम डॉक्यूमेंटेशन से काम हो जाएगा तो एंटिटी कितना है और रिस्क कितना है मटेरियलिटी कितनी है तो आपने देखा कि यार आप जिस स्टॉक का ऑडिट कर रहे हो वो स्टॉक एंटिटी का सौ अलग अलग जगह पे रखा हुआ है और वैल्यू उसकी भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है भी बहुत है इन्वेंट्री डायमंड टाइप की इन्वेंट्री है तो ऑब्वियस सी बात है आपको काफी डिटेल में डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए फिर आपने प्रोसीजर क्या लगाया जैसे एक प्रोसीजर होगा आपने इन्वेंट्री को क्या किया वन टू थ्री फोर ऐसे करके काउंट किया तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन सिंपल है इतना काउंट किया कई बार होता है वेट करके अपन इन्वेंट्री को कन्वर्ट करते हैं तो जैसे मैंने क्या किया मैं डायमंड्स का वेट करके उससे क्वांटिटी में डायमंड की बु बुक्स में रिकॉर्ड क्वांटिटी में पर मैं वेट से कर रहा हूँ तो मुझे मालूम है एक डायमंड दस कैरेट के सारे डायमंड एक साथ रखें एक का इतना वेट है तो टोटल तो का कितना होगा तो वहाँ पे थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन बढ़ जाएगा कि इतना वेट आया उसको इतने यूनिट्स में कन्वर्ट किया तो प्रोसीजर आपने क्या लगाए और मेथड और टूल्स क्या यूज़ किए अब जैसे आप कभी कोई चीज़ सिस्टम पर चेक करते हो तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत आसान है आपने एक एक्सेल शीट बना दी पीपी का डेप्रिसिएशन चेक करना है तो आपने कंपनी से पूरा डेटा ले लिया पीपी का एस एल एम मेथर्ड लगाता है रेट ले लिए डेप्री का अमाउंट कैलकुलेट कर दिया एक्चुअल अमाउंट से मैच कर लिया देख लिया डिफरेंस कितने तो वो वो आपकी जो ई फाइल बनाई आपने एक्सेल पे वही डॉक्यूमेंटेशन बन गया बड़ा आसान हुआ पर यही मैन्युअली करते तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में करना पड़ता अब आपने जो प्रोसीजर लगाया उससे आपको जो एविडेंस मिले वो आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है जैसे कोई फ्रॉड है या नहीं है इसके लिए कोई एविडेंस गैदर कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसे आप पूरा का पूरा उसकी फोटोकॉपी लेके लगा लीजिए मैनेजमेंट ऐसा नहीं बोलता है ऐसे कि आप जो चीज़ चेक करो सबकी फोटोकॉपी रखो जैसे आपने फिक्स असेट वेरीफाई किया तो जरूरी नहीं है स्टॉक वेरीफाई किया तो जरूरी नहीं है सारे स्टॉक का स्टेटमेंट का प्रिंट अपने वर्किंग पेपर फाइल में लगाओ पर अगर आपको लगता है कंपनी में स्टॉक में बहुत फ्रॉड्स होते हैं तो बेहतर है कि फिर आप प्रिंट लेके लगा ही लेना कि कंपनी बाद में चेंज ना करते तो गलतियां कितनी निकली है और इंपॉर्टेंट कितना एविडेंस और फाइनली कई बार ऐसा होता है दोस्तों तो कि कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली कंक्लूड नहीं होती जैसे एक चीज़ समझो आप स्टॉक वेरीफाई कर रहे हो सौ आइटम बुक्स में है और फिजिकली भी सौ है तो आपको डॉक्यूमेंट ज़्यादा नहीं करना है पर फिजिकली अगर एक सौ दो आ गई तो आपको डेफिनेटली रीज़न डॉक्यूमेंट करना होंगे कि दो क्या है ज़्यादा आई है उसको कैसे आपने रिसोल्व किया तो ये टोटल सब मिला के सात फैक्टर्स है आपको लिखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऐसे ऐसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी कुछ चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो मार्क करा देता हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग डॉक्यूमेंटेशन एक तो एंटिटी की नेचर साइज क्या है और रिस्क कितना है प्रोसीजर्स क्या लगा है मेथड टूल्स क्या लगा है एविडेंस कैसे मिले उसका सिग्निफिकेंस क्या है एक्सेप्शन कितने सब दो दो करके बांट दोगे तो याद रहेगा और फाइनली क्या ऑटोमेटिकली कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है या डिराइव करना पड़ रहा है जैसे जैसे प्रोसीजर लगाओ वैसे वैसे डॉक्यूमेंट करोगे तो इससे एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन होगा कॉम्प्रेन्सिव होगा ये कुछ एग्जाम्पल है डॉक्यूमेंटेशन के ध्यान रखना डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्मेट हमेशा रिटर्न होना चाहिए पर वो ई फॉर्मेट सॉफ्ट कॉपी भी हो सकती है हार्ड कॉपी भी पर वॉइस नोट्स वगैरह डॉक्यूमेंटेशन में अलाउड नहीं ये हो सकता है कोई मैनेजमेंट के द्वारा दिए गए पेपर की फोटो कापी हो जेरोक्स कॉपी हो सकता है हैंड रिटन नोट्स हो सकता है कोई ईमेल लिखा हो उसका प्रिंट आउट हो या सॉफ्ट कॉपी मेंटेंड हो सकता है कोई मेमो वगैरह अपन ने लिख के दिया हो मैनेजमेंट पे उसका जवाब आया हो वो इट कुड बी बेसिकली इन एनी पर्टिकुलर फॉर्मेट तो ऑडिट प्रोग्राम कन्फर्मेशन लेटर थर्ड पार्टी से लिए वो भी डॉक्यूमेंटेशन है रिकॉर्ड की कॉपी ले ली अपन कई बार चेकलिस्ट है ये सब है या नहीं है उसको टिक कर देता है एनालिसिस करस्पॉन्डेंस जो अपनी बातचीत हुई है मैनेजमेंट से ई मेल्स उसकी समरी ये सब डॉक्यूमेंटेशन के तरीके हैं पर ध्यान रखना जो ड्राफ्ट पेपर है इनकम्प्लीट नोट्स है रफ पेपर है जिनमें आपने ऐसे ही बनाए थे डिस्कार्ड कर देना वो डॉक्यूमेंट वर्किंग पेपर में मत रखना ऐसे कहता है एक बार आपका ऑडिट कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप रिपोर्ट देने के साठ दिन के अंदर अंदर फाइल प्रिपेयर कर देना ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव काम है इसमें अनयूजलेस पेपर डिलीट कर सकते हो काम के पेपर को इंडेक्स कर सकते हो बाकी इसमें कोई नया ऑडिट एविडेंस गैदर नहीं होगा साठ दिन के अंदर अंदर फ्रॉम लेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आपको फाइल बनानी है और सात साल तक मेंटेन करनी है ऐसा एसक्यूसी वन बोलता है अनलेस किसी लॉ में और भी ज्यादा पीरियड के लिए मेंटेन करने की जरूरत ऑडिट पूरा हो गया वर्किंग पेपर फाइल बन गई उसको सील करके आप अलग से स्टोर में रख दीजिए पर हो सकता है किसी कारण से आपको उसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा ये कब होता है ऐसे पाँच सौ बोलता है ऑडिट इशू होने के बाद रिपोर्ट इशू होने के बाद कोई सब्सिक्वेंट इवेंट आपके नोटिस में आई जिससे आपको लगता है ओपिनियन चेंज करना है तो आपको करना पड़ेगा तो अगर ऐसे कोई मैटर रिपोर्ट की डेट के बाद आपके सामने आते हैं तो एक्सेप्शनल केस में हो सकता है आपको वर्किंग पेपर फाइल अमेंड करना पड़े तो जब आप अमेंड करोगे तो उसमें आप ये लिख लेना क्या कारण से अमेंड करी क्या प्रोसीजर लगाए क्या एविडेंस मिले क्या कंक्लूजन थे किसने प्रोसीजर कब लगाए और उसका रिव्यू किसने कब किया तो जैसे मेरा पूरा ऑडिट हो गया मैंने रिपोर्ट इशू कर दी बाद में आलम बड़ा कंपनी पर कोई लीगल केस चल रहा था बहुत बड़ा सा जो कंपनी हार गई न्यूज़ में है और मुझे बताया नहीं था केस चल रहा है तो अब मैं क्या करूंगा मेरी ओपिनियन वापस से रिपोर्ट कॉल करूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडिफाई करूंगा या रिपोर्ट नहीं इशू करूंगा तो मुझे डार्किंग पेपर फाइल भी खुलवाना पड़ेगी और उसमें लिखना होगा क्या कारण थे कि भैया कोई लीगल केस कम नहीं आ रही है जो हमें पता ही नहीं था उसमें हमने क्या प्रोसीजर लगाया एविडेंस मिले कंक्लूजन ड्रॉ किए तो हमने देखा इतना फाइन पेनल्टी है पिछले साल की कंपनी ने बताया नहीं था इस कारण से ये करना पड़ेगा रिपोर्ट मॉडिफाइड और फाइनली इसको किसने चेक किया रिव्यू किसने किया कब किया ये सब आपको वर्किंग पेपर फाइल में फिर अलग से डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा ठीक है चलिए देन <clears throat> इसके अलावा यू मेंल्सो प्रिपेयर एंड रिटेन एज अ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन अ समरी ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग दाउड तो आप चाहो तो इसे बोलते हैं कम्प्लीशन मेमोरेंडम और समरी क्या होता है ऑडिट में इस साल बहुत सारी चीज़ें आई होगी पर हो सकता है जो सिग्निफिकेंट चीज़ें आप एक अलग नोटबुक बना के उसमें लिखते जाओ और उसको कैसे रिजोल्व किया तो आपके पास एक हैंडी समरी रहेगी ताकि अगले साल का ऑडिटर भी उन चीज़ों पर फोकस करें और मुझे भी पता है इस ऑडिट में इन चीज़ों पर मुझे फोकस करना है इसे कंप्लीशन मेमोरेंडम और ऑर्डर डॉक्यूमेंटेशन समरी कहते हैं इससे रिव्यू इंस्पेक्शन ये सब चीज़ें आसान होंगी क्यों क्योंकि ऐसे कहता है कि जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स या जहाँ भी सिग्निफिकेंट जजमेंट्स लिए गए इन सबको अलग से डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा सिग्निफिकेंट मैटर का एग्जाम्पल क्या हो सकता है कंपनी में इस साल कोई फ्रॉड हुआ कोई बड़ा लिटिगेशन क्लेम आया कोई रिलेटेड पार्टी के साथ बड़े अमाउंट का ट्रांजैक्शन पहली बार हुआ है अप्रूवल नहीं लिया है उसमें ये सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन और सिग्निफिकेंट जजमेंट जैसे क्या हो सकते हैं जैसे कंपनी में इस साल कोई हुआ है तो रिवैल्युएशन बड़ा ही जजमेंटल होगा कि क्या फेयर वैल्यू लिए पीपी की या लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कंपनी परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड के बेसिस पे इस साल रेवेन्यू रिक्नाइज कर रही है तो वर्क कितना कंप्लीट हुआ है स्टॉक इन वर्क इन प्रोग्रेस बहुत हैवी अमाउंट का है कंपनी का इस साल तो उसमें कितना परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड है उसका वैल्यूएशन निकालना ये सब जजमेंट वाले एरिया है क्लियर कट नहीं है आपको थोड़ा अपना स्किल लगाना पड़ता है तो मैटर्स दैट गिव राइज टू सिग्निफिकेंट रिस्क मैं आप हमेशा ध्यान रखें कि हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टेटेड हो आपको रिस्क रीअसेस करना पड़े रिस्पॉन्स चेंज करना पड़े कई चीज़ें हैं जो डिफ़िकल्ट करेंगी आपकी चीज़ों को चेक करने के लिए इसलिए हो सकता है कि आपको रिपोर्ट मॉडिफाई करना पड़े या एम्फिस ऑफ मैटर पैरा देना पड़े ये वहाँ पड़ेंगे तो ये सब डॉक्यूमेंट कर लेना इन डिटरमाइनिंग द फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर यू शुड कंसिडर कितना जजमेंट इन्वॉल्व हुआ है रिजल्ट इवेल्युएट करने में सरकमस्टांसिज इन विच अप्रोप्रिएट टू प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रिलेटिंग टू प्रोफेशनल जजमेंट जब आपको लगता है कि जो कंक्लूजन आपने ड्रॉ किया है उसकी रीजनिंग डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है क्या बेसिस है उसका और क्यों आप उसे रीजनेबल मान रहे हो ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट जब आपको कोई डाउट आया था डॉक्यूमेंट पे ऐसी चीज़ें डॉक्यूमेंट कर ले तो ये चीज़ें आप अच्छे से डॉक्यूमेंट करके रखना ताकि बाद में आप पे क्वेरी नहीं आए जैसे कंपनी के रिकॉर्ड लच्चे फॉर एग्जाम्पल ओरिजिनल गिरवी रखा हुआ है बैंक के पास कोई इन्वेस्टमेंट तो उसको वेरीफाई कर रहे हो हमारे पास सिर्फ फोटो और हमने बैंक से कन्फर्मेशन लिया अब कन्फर्मेशन बैंक में हमने मांगा जिससे उसने नहीं दिया किसी और ने दिया डाउट आया तो फिर मैं कैसे मानूँ वो सही है नहीं है तो मैं डॉक्यूमेंट करके उस पर जो डिसीजन लिया अच्छे से डॉक्यूमेंट करूँगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑडिटर की प्रॉपर्टी है उसकी इच्छा है तो वो उसकी एक्सट्रैक्ट दे सकता है पर ओरिजिनल अपने पास अपने डॉक्यूमेंट अपने पास ही रखेगा इसलिए रखना है क्योंकि बाद में उसका कभी रिव्यू हुआ इंक्वायरी हुई तो उसके पास प्रूफ करने को होना चाहिए ऑडिट खत्म होने पे भी मैनेजमेंट या क्लाइंट वापस मांगे तो देने की जरूरत नहीं है ये तो छोड़ो ब्रांच ऑडिटर के भी डॉक्यूमेंट अगर प्रिंसिपल ऑडिटर मांगना चाहे तो ब्रांच ऑडिटर मना कर सकता है वो उसकी उसकी इच्छा है तो वो उसकी कॉपीज या उसके एक्सट्रैक्ट दे सकता है पर कोई कंपल्शन नहीं है वो उसकी प्रॉपर्टी हाँ कोई लॉ रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है तो बात अलग है बट अदरवाइज इट इज़ योर प्रॉपर्टी यू हैव टू कीप इट इट इज़ विद यू ध्यान रखिएगा कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंट करना जरूरी नहीं है कई बार क्या होता है डॉक्यूमेंट करने के चक्कर में हम सब चीज़ें डॉक्यूमेंट कर देते हैं जैसे प्रोफेशनल स्कैप्टिजम ऑडिट में लगाइए डॉक्यूमेंट कैसे करोगे भाई प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मतलब अलर्ट रहना एक स्टूडेंट के नोट्स देख के क्या आप डिसाइड कर सकते हो गया कि उसने कितने ध्यान से क्लास करिए हाँ तो अलग से डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है तो इसके लिए कहा गया है जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोवेशनल स्केप्टिज्म को कई तरीके से आप डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते बट ऑडिटर के जो एविडेंसेस उसने gather जो evidences गैदर किए हैं जो करोबरेटिव सपोर्टिंग मैनेजमेंट से एविडेंसेस गैदर किए हैं डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू जो किया है इन सब से देख के समझ में आएगा उसने काम कितना अच्छे से किया तो ऐसी चीजें जो अदरवाइज दूसरे डॉक्यूमेंट से डॉक्यूमेंट दिख रही है जैसे अच्छा ऑडिट प्लान आपका बना हुआ है तो प्लानिंग कैसे करिए डॉक्यूमेंट करने की जरूरत नहीं एंगेजमेंट लेटर पढ़ा है तो आपको 210 में अलग से कोई डॉक्यूमेंटेशन करने की ज़रूरत नहीं है आपने ओम ओपिनियन क्वालिफाई कर दिया है तो इसका मतलब मैं स्टेटमेंट रिपोर्ट हो चुका है तो अब अलग से कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिखना है स्टेटमेंट के बारे में क्योंकि वो रिपोर्ट में ही जा चुका है तो ये वो चीज़ें हैं जो अदरवाइज दूसरी चीज़ों से कंक्लूड हो रही है कि भैया ये प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड हैं तो आपको अलग से सिर्फ लकीर का फकीर बन के डॉक्यूमेंटेशन करने की ज़रूरत नहीं है तो दिस कम्प्लीट से टू हंड्रेड एंड थर्टी आज का अपना रिविजन यहाँ पे अपन स्टॉप करते अपू फोर्टी का एक पूरा सेपरेट चैप्टर है आपके ए के स्टडी मटीरियल में और ये एक लेंदी स्टैंडर्ड है इसको इंडिपेंडेंटली अपन अलग से रिवाइज करेंगे थैंक यू